मुझे कुछ ऐसा करना है जो मेरे एंसेस्टर ने नहीं किया, तो आई हैव टू ट्राई हार्ड। ओके, ये जो हार्ड आपको ट्राई करना पड़ रहा है, इसको इजी बनाता है फैमिली कॉन्स्टेलेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एक्चुअली व्हाट इज फैमिली कॉन्स्टेलेशन। ओके, सो व्हेन आई वाज डूइंग, आई वर्क फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर सम टाइम, तो वहां से एक आए थे जिनका ये था प्रॉब्लम कि मेरा बिजनेस नहीं चलता है, और जो भी काम मैं करता हूँ, वो कुछ भी करूँ, मैं बिजनेस करूँ या टाइम्स ऑफ इंडिया का जॉब करूँ, इट्स नेवर एनफ। जो मेरी सैलरी है वो 2 दिन में खत्म हो जाती है या 10 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन वो मुझे पैसे की मारा मारी रहेगी, दो आई एम अर्निंग वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ। तो उसके ऊपर हमने कॉन्सलेशन किया कि मनी में क्या प्रॉब्लम है, तो पता चला कि उनकी जो दादी थी, उनको कभी पैसा नहीं दिया गया, उनको हमेशा पैसे के लिए क्रेव कराया गया कि भाई अरे तुम तो लेडी हो, तुमको घर में रहने तो पैसे की क्या जरूरत है, जो चाहिए हम ला देंगे, राइट? सो शी कर्स द फैमिली कि द वे आई एम यू नो क्रेविंग फॉर मनी, यू विल ऑल्सो क्रेव, बट दे आर डूइंग इट, बट दे डिडंट नो दैट हाउ इट इज गोइंग टू मैनिफेस्ट इन कमिंग जनरेशन, राइट? उन्हें थोड़ी पता था, वो तो गुस्सा थी अपने हस्बैंड से या अपने बेटों से, लेकिन क्या होता है, ऑल दिस कर्सेस, और फैमिली कॉन्स्टेलेशन की लैंग्वेज में इसको बोलते अनहील्ड इश्यूज, वॉट शी वॉज हैविंग इन हर लाइफ टाइम दैट शी कुड नॉट हैव मनी, वो एक्चुअली आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफर हो गया। एंड यहाँ पे ये स्टक हो गए कि भाई इनका बिजनेस भी नहीं, जो भी बिजनेस भी चल रहा है, जॉब भी चल रहा है, लेकिन पैसा कभी पूरा पड़ ही नहीं रहा, तो क्रेव तो आ ही गया ना पैसे के लिए। सो वेन वी डू फैमिली कॉन्स्टेलेशन, वी कैन हील ऑल दोज इश्यूज विद इन द फैमिली, जो और कोई चीज नहीं कर सकती। ओके, सो बेसिकली फैमिली कॉन्स्टेलेशन इज द सिस्टमिक कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं इसको, और इसको फैमिली थेरेपी भी बोलते हैं। ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू हाउ इट स्टार्टेड। वर्जीनिया सटीर करके एक यूएस में थी, वो क्या करती थी कि वो फैमिलीज में जाकर के उनकी फैमिलीज के इश्यूज के बारे में डिस्कस काउंसलिंग करती थी। तो जैसे कि आप हैं, मतलब सब लोग हैं, लेकिन आप सब फैमिली मेंबर्स हैं, कोई किसी की भाभी है, कोई किसी की ननद है, तो कोई बच्चा है, कोई ग्रैंडफादर है, कुछ कोई कुछ है। तो वो जब भी फैमिली में जाती थी, तो वो बड़ी फैमिलीज में जाती थी, तो उनका क्या होता था कि कोई ना कोई पर्सन नहीं होता था प्रेजेंट एट दैट टाइम, तो वो किसी को भी बुला लेती थी कि चल बाहर एक नौकर है जो चाय बनाने के लिए, तो चलो तुम ही बैठ जाओ, राइट? तो वो बैठ जाती थी, जब वो उनसे बात करती थी, जब वो कहती थी ओके नाउ यू आर इन प्लेस ऑफ दिस पर्सन, और मे बी यू आर इन प्लेस ऑफ ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, तो वो एक्चुअली वो उस तरह से बात करते थे जैसे कि वो ग्रैंड मदर, वो प्रॉब्लम्स वो बताते थे जो उन ग्रैंड मदर को है, या वो पर्सन से जो उनके साथ बैठा है उनसे उनको है। आर यू गेटिंग मी? तो फैमिली कॉन्स्टेलेशन, उन्होंने वहां से ये समझना शुरू किया कि देर इज समथिंग अबाउट अ पर्सन, और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई पर्सन प्रेजेंट नहीं है तो हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते या उससे बात नहीं कर सकते, करेक्ट? ये चीज उनको समझ में आई। एंड जो बर्ड मैम हेलिंगर समझ है, नहीं आया, मैम समझ नहीं आया ये। समझ नहीं आया? अच्छा, तो मैं आपको दोबारा बताती हूँ। जैसे कि आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन, समझो कि आप 3 भाई बहन हैं, और आपने किसी को बोला कि यू जस्ट कम और डू काउंसलिंग फॉर माय फैमिली, ओके? तो कोई आपके घर में काउंसलिंग के लिए आया, लेकिन आपका कभी कोई बड़ा, आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन या छोटी बहन या कोई भी प्रेजेंट नहीं है, और हमने किसी और को जो इस फैमिली से भी रिलेटेड नहीं है उसको हमने बुला लिया कि चलो तुम उसकी जगह बैठ जाओ आज, अगर वो नहीं है तो वो जो पर्सन फील करेगा ना, वो वही फील करेगा जो आपकी एक्चुअली सिस्टर या ब्रदर होते तो वो फील करते। ओके मैम आर यू गेटिंग मी नाउ? जी सो मैम। मैम, ये क्या प्रोसेस मदर सोल के थ्रू होता है या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होता। दिस इज कॉल्ड मॉर्फोजेनिक फील्ड, जिसके ऊपर यूएस में, सॉरी लंदन में, रूपल शेल्ड्रिक और उनके फादर, ये दोनों उसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं, बिकॉज कोई भी एनर्जी जो इस वर्ल्ड में आती है, एज ह्यूमन, एज एनिमल और एनीथिंग, हर चीज का डाटा मदर अर्थ में होता है, एंड दैट वी एक्सेस थ्रू मॉर्फोजेनिक फील्ड। किसी ने सुना मॉर्फोजेनिक फील्ड?
ओ मैम, नो मैम इट्स डिफरेंट फ्रॉम आकाशिक ना मैम, आप ना, अर्थ इट्स को वेरी देख। डिफरेंट विद ओके फ्रॉम आकाशिक एंड एवरीथिंग, इट्स वेरी सिस्टमेटिक थिंग. ये जो मैं आपको बिट्स एंड पीसेस में बता रही हूँ, ये आपको आज भी शायद जब हम ये कर रहे हैं इतना ज्यादा क्लियर ना हो. व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग द थ्योरी कि ये कैसे होता है, अभी ये तो मैंने होल वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ कि इस दुनिया में अगर डायनासोर आए हैं, भगवान कृष्ण आए हैं, भगवान राम आए हैं, या एक छोटी चींटी भी आई है, अगर मैं चाहूं कि वो चींटी, अगर आपने उस चींटी को नाम भी दिया है, तो व्हाट शी डिड ऑन दिस अर्थ, उसका डाटा आप एक्सेस कर सकते हो. दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ मदर अर्थ. ओके, आप पूरी दुनिया को छोड़ के हम अपने पास आते हैं. नाउ आई हैव अ प्रॉब्लम, सपोज कि भाई मेरा काम आगे नहीं बढ़ रहा, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल एक्सेस द एनर्जी ऑफ माय मदर. ओके, आई विल डू माय कॉन्स्टेलेशन स्पेशली विद माय मदर, बिकॉज मनी, हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स कम्स फ्रॉम द मदर. सो 70% प्रॉब्लम्स कम्स फ्रॉम द मदर, ओके, एंड 30% प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम द फादर, बिकॉज फादर ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बाउंड्रीज इन योर लाइफ, राइट? तो आपकी जो स्टेबिलिटी है लाइफ की, वो आपके फादर से आती है, राइट? इन नेचर ऑल्सो, और यू कैन से द वे यू कम इन दिस वर्ल्ड, दिस इज द फैक्ट अबाउट यू और योर लाइफ. ओके, अगर आपकी मदर बहुत नाखुश रही है या बहुत ज्यादा एग्रेसिव रही है, तो ये एग्रेसिवनेस आपके रिलेशनशिप में, आपके हेल्थ में और आपकी दूसरी चीजों में दिखेगा. एग्रेसिव का मतलब है देर इज समथिंग नेगेटिव व्हाट शी वाज हैविंग, यू विल आल्सो सी. बट हर एक के लिए हर चीज बहुत डिफरेंट होती है. अगर आपकी मदर की, जैसे सपोज अनामिका जी की मदर है या प्रमोद जी की मदर है, अगर ये आप दोनों की मदर की लाइफ एकदम सेम भी रही होगी ना, तो भी यू विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड ही विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, बिकॉज डीएनए, आपकी मदर की बात करें, लेकिन मदर की मदर, उनकी मदर, फिर उनकी मदर, तो पूरा जो लीनिएज है, ये जो सोर्स है, अगर मान लीजिए कोई नेगेटिविटी है, लाइक आज डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये आपका शुगर प्रॉब्लम है, डायबिटीज जो है ये तो हेरिडिटिकल है, मम्मी को थी, पापा को थी तो आपको होगी, या मम्मी को थी तो भी होगी, या मम्मी की मम्मी को थी तो भी होगी. व्हाई डॉक्टर्स से दैट? बिकॉज यू आर नॉट जस्ट द डीएनए ऑफ योर मदर फादर, यू आर द डीएनए ऑफ योर ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट फादर, ग्रेट 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 ग्रैंड फादर, मतलब बहुत सारे आपके पीछे हैं. बट वेयर इट इज स्टार्टेड, 7 जनरेशन बैक, 8 जनरेशन बैक. तो अगर आप वहां, अगर फैमिली कॉन्स्टेलेशन आप कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आई, उसका रूट कॉज आप ढूंढते हैं, एंड देन यू रिलीज फ्रॉम देयर. ओके, हाउ यू रिलीज? व्हेन दे हैव सम इमोशनल, आपको ये तो पता है कि हर, आजकल तो डॉक्टर्स भी मानते हैं कि एवरी इलनेस हैज सम इमोशनल ब्लॉकेजेस, ओके, सम इमोशनल इश्यूज बिहाइंड इट, दैट इज व्हाई यू हैव सर्टन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. डिप्रेशन, एंजाइटी कभी आपकी अपनी नहीं होती, राइट? तो अगर हम डायबिटीज की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ ये क्लियर करूंगी, डायबिटीज इज हैविंग अ फीलिंग दैट एनी बडी विन ओवर मी. सो यू आर इन टू अ रेस, ओके, जो रेस शायद कभी कहीं आपके एंसेस्टर में शुरू हुई, या वो एक पैटर्न आपने लिया अपने एंसेस्टर से, एंड राइट नाउ यू आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न. यू आर इन टू अ रेस कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे विन करना है. बट वॉट हैपन्स, एवरीबडी इज देयर इन द रेस एंड एवरी टाइम यू कैन नॉट विन. और जनरली पीपल हु आर हैविंग डायबिटीज, दे ऑलवेज हैव डिफीटेड, आई मीन दे फील दैट दे आर डिफीटेड बाई पीपल, सो दे हैव दैट काइंड ऑफ इमोशन. सो वेयर इट इज स्टार्टेड, हम उनके फर्स्ट इमोशन को एक्सेस करते, वेन दे स्टार्टेड टेलिंग योर एंसेस्टर इन द फील्ड दैट दिस वॉज माई प्रॉब्लम, आई कुड नॉट डू दिस, आई कुड नॉट डू दैट, उसी से ही आपका जो प्रेशर है ना, इमोशनल प्रेशर, वो कम हो जाता है. नाउ आई एम वेरी क्लियर, राइट? अब क्योंकि कई बारी आपके एंसेस्टर को वो लर्निंग नहीं होती, ओके, कि भाई अगर मैं ये नहीं कर सकती थी तो मैं क्या कर सकती थी. मान ली सपोज इट इज समवेयर फ्रॉम योर मदर साइड फैमिली, करेक्ट? सो अगर मैं ये नहीं कर सकती थी तो मैं क्या, अगर उनको वो बात उस समय पता होती तो ये चीज होती नहीं ना, डायबिटीज होती नहीं आज आपको. सो वी गिव दैट इनसाइड आल्सो टू योर एंसेस्टर, सो दैट दे कैन हील देयर इश्यूज देयर, सो दैट यू विल बी फ्री हियर. सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिलीजिंग दैट इलनेस फ्रॉम एंटायर लीन, आई मीन फ्रॉम द लीनिएज
एंड कमिंग जनरेशन एज वेल. सो इफ यू आर हीलिंग योर सेल्फ थ्रू फैमिली कॉन्स्टलेशन, यू आर हीलिंग योर कमिंग जनरेशन एज वेल. आपकी कमिंग जनरेशन को उस सेम चीज के लिए कभी काम नहीं करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग? यस मैम, सो व्हाई इज फैमिली कॉन्स्टलेशन, अगर आपने देखा हो, ये फैमिली काउंसलिंग नहीं है. ओके, दो इट इज स्टार्टेड एज अ फैमिली काउंसलिंग, बट हेलिंगर. यस निर्मला जी, बोलिए. यू आर म्यूटेड नाउ. हेलो मैम. हेलो. मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे. दे से दैट आर सोल सेलेक्ट्स द आर सोल बिफोर कमिंग हियर. वी सेलेक्ट आर लाइफ पर्पस एंड लाइफ लेसन्स टू लर्न. अकॉर्डिंग टू दैट वी चूज आर रोल, राइट? राइट. सो हाँ, बट देन इफ वी आर डूइंग दिस कॉन्स्टलेशन थेरेपी और दिस थेरेपिस्ट लाइक दिस, so are we not changing the course of the thing? I mean, like what we Yes, have of come course, you are to doing learn. so. You are doing so because when Huh. you take birth, 80% is your destiny and 20% is your free will. Okay. But the Okay. moment you come to the spirituality, the moment you choose your free will, now it is 20% your destiny and 80% your free will. Okay. So it is in your hand. You want to suffer because you choose it, or you want to come out and you want to learn your lesson and you just come out from that and you grow. Why we are choosing family constellation, why we are choosing this? Because now somewhere your awareness is saying that it is not worth it to suffer like this. Are you getting me? Yeah, but do we So learn our you, lesson? ha, tell me. Yeah, but then if we don't go through this, do we learn our life's lessons, what we are You are supposed to learning learn? life lesson, but in a different way. You are Okay. not choosing पत्थर बड़े बड़े रखे और मैं गिरूं बार बार और फिर मैं उठूं फिर मैं गिरूं. नाउ यू नो दैट देर इज अ बिग चंक ऑफ अ स्टोन इन फ्रंट ऑफ माई आईज एंड आई नो अगर मैं इसके ऊपर से जाऊंगी तो मैं गिरने ही गिरना है मुझे. बट एट दिस टाइम यू आर चूजिंग समथिंग, लाइक कोई मोडालिटी है, या सोचो कि आप कोई किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके वो पत्थर हटा के जा रहे हो तो भी आपको लर्निंग तो हो रही है ना. अच्छा, सो यू आर द वन हु चोज दैट यू वॉन्ट टू चूज द सफरिंग और यू वॉन्ट टू चूज द फ्री विल नॉट टू सफर. ओके. ओके, कुछ चीजें आई वुड से दैट देर आर थिंग्स इन योर लाइफ बट एवरी सोल चूजेस देयर ओन पर्पज, देयर ओन वे ऑफ लिविंग द लाइफ. या आई होप आई एम यस वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग. या यस सर. मैम, maybe we had chosen you as our coach to come out of our all whatever issues are there in before Yes. coming to life here. हाँ, so this is all about collective consciousness and collectively you all of you are choosing a teacher. Like I have chosen my teachers, you are choosing me as your teachers, right? Yeah. So this is always a see the way kind of see अगर आपने हिप्नोसिस किया है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है, तो उसके बाद आपको इतना लाइट फील क्यों होता है? व्हेन यू अंडरस्टूड कि व्हाट, अगर आपने सही पास्ट लाइफ सीखा है, मुझे मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, उन्होंने डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से सिखाया होगा, बट इफ यू नो दैट अगर आप पास्ट लाइफ में जाते हैं तो वहां पे भी आपका लर्निंग लेसन होता है एंड यू टेक दैट लर्निंग लेसन एंड यू कम बैक और यू हील दैट इशू, यू अंडरस्टूड योर इशू एंड देन यू कम बैक, राइट? अगर आप वो नहीं कर रहे हो, देर इज नो मीनिंग ऑफ सीइंग द पास्ट लाइफ. इसका मतलब ये कि बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने मेरे को बोला कि हमने सिर्फ पास्ट लाइफ देखा लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं था, देन इट इज रॉन्ग. देन यू आर ट्रिगरिंग द इश्यूज एंड यू आर नॉट डीलिंग विद इट, तो ये आपके लिए और भी डिफिकल्ट हो जाता है. सी ये भी एक साइंस ही है. तो यस, सो आर यू गेटिंग मी एवरीबडी? सो द थिंग इज दैट आपकी अवेयरनेस चूज करती है कि आपको रोज 10 to 5 का जॉब करना है, कमाना है, बीमार पड़ जाना है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, वहां से दवाई लेना है और आपको ठीक हो जाना है, फिर आपको अपने बच्चों के लिए काम करना है, फिर आपके बच्चों की शादी करनी है, तो यही करना है. और यू वॉन्ट टू चूज समथिंग समथिंग बेटर और समथिंग यू नो दैट समवेयर यू डज नॉट बिलोंग टू दिस पैटर्न ऑफ लाइफ. ये आपकी अवेयरनेस होती है. सो जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी आप बेटर मोडालिटीज चूज करोगे. सो लाइफ इज ऑलवेज मेकिंग चॉइसेस. जितने आप अवेयर होते हो उतनी बेटर चॉइसेस आप करते हो. और ये अवेयरनेस कैसे आती है? बाय डूइंग सम स्पिरिचुअल वर्क.
ना, पत्थर तोड़ने से तो अवेयरनेस नहीं आएगी, पत्थर तोड़ने से सिर्फ उसकी प्रैक्टिस होगी बॉडी को कि ये पत्थर ऐसे तोड़े जाते हैं, अब दिन में 4 की जगह मैं 8 तोड़ सकता हूँ। बट यू कैन नॉट रेज योर अवेयरनेस बाय ब्रेकिंग द स्टोन्स। हाँ, आप घर जाकर के अगर मेडिटेट करते हो देन यू अंडरस्टैंड कि एम आई लिविंग दिस लाइफ जस्ट टू डू दिस वर्क, और इससे बड़ा कोई पर्पज है। ये आपकी अवेयरनेस आपको बताती है, और ये आपके पास लाइफ के कर्मा होते हैं। और जैसे उन्होंने बोला कि हम हमारी सोल चूज करती है कि वी आर कमिंग टू दिस वर्ल्ड एंड विच फैमिली। सो योर सोल हैज इज ओन पावर ऑफ पास्ट लाइफ मेमोरीज। ओके, सोल को तो सब पता होता है, सोल इज फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। सोल के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता, बर्डन होता है आपके जो बोला थे इवॉल्व होने का, कि भाई हमें इवॉल्व होना है और आगे बढ़ना है, सोल की पावर को बढ़ाना है, सो दैट वी कैन बिकम सम लाइट वन डे, राइट? तो यू चूज अ फैमिली वेयर यू चूज द पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ द फैमिली जो आपके इस लाइफ पाथ को फुलफिल करेंगे। अब आपने जैसे ही एक वूम में गए आप अपनी मदर के, और आपने उस सोल को उस डीएनए के साथ बांध दिया, तो अब आपको पैटर्न्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, राइट? लेट मी टेल यू, मोर देन पास्ट लाइफ, मोर देन एनी अदर थिंग, अगर आप देखें तो आपके 90% इश्यूज आपकी फैमिली से ही आते हैं। आपकी बीमारियां, आपके रिलेशनशिप्स, आपका मनी पैटर्न, सब आपका यहीं से आता है। सो यू हैव जस्ट चूज, बिकॉज इस दुनिया में ये फिजिकल वर्ल्ड है, आप मदर अर्थ के ऊपर बैठे हो, तो यहाँ के जो लॉज हैं उनमें आप आ जाते हो। अब आपकी सोल को भी आपकी बॉडी के लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज समटाइम्स आई डू वेरी हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल सेशंस, समटाइम्स इवन योर सोल इज सो टायर्ड दैट शी डजंट वॉन्ट टू वर्क एनी मोर। मतलब उसकी अवेयरनेस भी बेचारी चली जाती है, क्योंकि सफरिंग क्या करता है, आपको टायर कर देता है, फिर आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। इफ यू सी ऑल द पीपल हु आर चूजिंग स्पिरिचुअलिटी, दे मेक गुड मनी डिस्पाइट ऑफ हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, दे मेक मनी एंड दे नो दैट वॉट दे आर डूइंग देयर इट इज गुड, ओके, एंड दे नो वॉट टू डू नेक्स्ट। सर आप बताइए, आपने हैंड रेस किया हुआ है। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि हम हमारे जो डीएनए में जो आता है हमारे एंसेस्टर से भी आता है, जी तो मेरा ये सवाल है कि क्या हम अपने एंसेस्टर्स के जो पितृ दोष जो हम लोग बोलते हैं, क्या कैन वी रिमूव दैट पितृ दोष? यस डेफिनेटली, पितृदोष इज अनटाइमली डेथ, अबॉर्शन एंड मिसकैरेज इन योर फैमिली, और नोन एंड अननोन डेथ इन द फैमिली। नहीं, पितृदोष जो जहां तक मेरे को जो जानकारी है वो ये है कि अनटाइमली डेथ जिनकी होती है वो एक दूसरे रूम में चले जाते हैं, उनका तो मुक्ति जब तक उनकी उम्र पूरी नहीं होती तब तक तो नहीं होती है, वो उसके बाद ही वो होती है उनकी मुक्ति। सर यू आर 100% राइट, और बट व्हाट आई एम दूसरी ट्राइंग, जो हाँ दूसरी बात ये है कि जो कई पितृ जो हैं अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, जैसे आपने कहा कि वो किसी लेडी उनकी ग्रैंड मदर के पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने अपने कर्ज कर दिया था, तो पितर के चलते ये हम लोग कई बार क्या है, मैंने देखा है कई लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, घर के अंदर बहुत झगड़े होते रहते हैं, तो उनको क्या ठीक किया जा सकता है ये सब चीजों से? तो यस सर, एक्चुअली यस यस कंसर्न बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके पितर हैं हु हैज नॉट टेकन बर्थ, दे आर स्टक समवेयर इन सम अदर वर्ल्ड, यू नो, व्हेन वी एक्सेस देयर सोल एनर्जी एंड व्हेन वी आस्क देम व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट हैज हैपेंड देयर, तो व्हेन दे एक्सप्रेस, बिकॉज प्रॉब्लम ये नहीं होती आपकी आज की लाइफ में भी कि वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसी से, आप बता नहीं सकते कि हु कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, देन यू डाई विद योर ओन सीक्रेट्स, यू डाई विद योर ओन प्रॉब्लम्स, ओन वुंड्स। ये जो वुंड्स है ना, ये आप आगे कैरी करते हो एज पितृदोष, काल सर्प दोष, नाग दोष, ये दोष वो दोष सारा, तो बिकॉज इट एक इज इन योर चीज डीएनए, और इट इज इन एक योर चीज, डीएनए, राइट? ये जो फैमिली कॉन्स्टेलेशन जो आप करवाएंगी इसमें जी क्या पूजा पाठ होना है या सिर्फ मेडिटेशन है? नहीं, ये ना तो पूजा पाठ है ना ये मेडिटेशन है, दिस इज अ चैनलिंग वर्क, सो विच यू विल लर्न देयर। सो चैनलिंग मीन्स एक्चुअली इट्स लाइक ऑटोमेटिक जो लोग चैनल करते हैं नो, इट इज आत्माओं को। नॉट इवन दैट, इट इज वेरी डिफरेंट। अभी मैं आपको एक स्लाइड शेयर करती हूँ, पहले आप वो समझ लीजिए, फिर मैं एक छोटा सा आपको डेमो देती हूँ हाउ इट वर्क्स, यू नो, ओके फैमिली कॉन्स्टेलेशन। श्योर। ओके कैन आई आस्क वन थिंग? या श्योर, पूछिए।
तो मैम जैसे आपने बताया कि हम चीज़ें एंसेस्टर्स से लेते हैं एंड दैट इज ट्रू, तो मैम इट मीन्स वी ऑल आर वन, वी आर नॉट डिफरेंट डिफरेंट, ऑफ कोर्स, ऑल आर वन. तो यहाँ पे वो वननेस वाली चीज आ जाएगी. है ये वननेस से डिफरेंट चीज है. सी आप जब इस चीज को समझेंगी ना, जब मैं आपको बताऊंगी कि जी. हाउ इट वर्क्स, अभी मैं इसीलिए आपको वो पीपीटीज दिखा रही हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल आर एग्री कि जिस तरह से हमको रेस किया जाता है उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में हमेशा रहता है, राइट? इज इट? हाँ एक्चुअली आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन इनर चाइल्ड इंटीग्रेशन थेरेपी, राइट? तो उसमें हमें ये सी, चाहे आप इधर से, वो कहते हैं ना कान सीधा पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़ना कान ही है आपको, राइट? सो इनर चाइल्ड इंटीग्रेशन थेरेपी ऑल्सो सेज लॉट ऑफ ट्रॉमास, लॉट ऑफ इश्यूज वी हैव टूडे बिकॉज आवर चाइल्डहुड वॉज लाइक दैट. मतलब बहुत ट्रॉमेटिक था, या आपको कोई चीज प्रोवाइड नहीं की गई, आपने तब भी स्ट्रगल किया, तो आने वाली लाइफ में डेफिनेटली यू विल हैव स्ट्रगल. ओके, सो वन सेकेंड, लेट मी शेयर दिस पीपीटी. या सो अभी मैं जो आपसे बात कर रही थी कि आपकी जो अपब्रिंगिंग है, आपको जिस तरह से पाला पोसा गया, आपकी मदर ने जैसे उनकी मदर से देखा और उनकी मदर ने उनकी मदर से सीखा, वही आपके लिए हो रहा है, करेक्ट? तो हो सकता है बहुत सारे अच्छे प्रोसेसेस, जैसे आज आई हैव नेफ्यू, आई हैव नीस, तो उनकी मदर्स जो कर रही हैं आज, बिकॉज बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल नहीं था व्हेन माय सन इज 23 ईयर्स ओल्ड, राइट? तो वो टाइम पे बहुत सारी चीजें मेरे लिए भी अवेलेबल नहीं थी, तो मेरी मदर के लिए तो बहुत कम नॉलेज थी कि हाउ टू बिकम अ मदर, हाउ टू बिकम अ गुड मदर और परफेक्ट मदर, राइट? सो बट नाउ व्हेन आई सी देम हाउ दे आर रेजिंग देयर किड्स, बिकॉज माय ब्रदर्स आर वेरी मच यंगर देन मी, लाइक 13 14 इयर्स, सो यू कैन इमेजिन दिस गैप, राइट? तो उनको जो आज नॉलेज है, जो आज वो चीजें देखते हैं गूगल पे, या वो से अमेजोन से ये चीज अवेलेबल है, या वो कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं. सो नाउ थिंग्स आर लिटिल इजी. ओके, तो अब जो वो रेस कर रहे हैं अपने बच्चों को, वो बहुत सारी नॉलेज के साथ रेस कर रहे हैं. हमारे साथ ऐसा नहीं था, राइट? तो बहुत सारे हमारे खुद के अनहील्ड इश्यूज क्रिएट होते हैं क्योंकि हमारी मदर्स को वो नॉलेज नहीं थी. दैट इज वाई वी से मदर हैज टू बी हैप्पी, मदर हैज टू बी वेरी नॉलेजेबल, और एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड तो होना चाहिए, करेक्ट? सो नाउ यू सी व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू, वी आर नथिंग बट द बंडल ऑफ मेमोरीज. व्हाई आई एम सेइंग दिस, इवन आपका पास्ट लाइफ भी ले लो, इवन प्रेजेंट लाइफ भी ले लो, अगर हमारे जो सेल्स हैं, जो मेमोरीज जो उन सेल्स में है, अगर हम वो हटा दें, तो वी आर वेरी लाइट. स्पेशली जो नेगेटिव है, जो हमारी लाइफ में पेन क्रिएट करती है, जो हमारी लाइफ में डिजीजेस क्रिएट करती है. ओके, सो हमारा काम सिर्फ ये है, जो अननेसेसरी मेमोरीज है, बाय डूइंग हीलिंग्स, थेरेपीज और व्हाट एवर यू से, आवर वर्क इज टू रिलीज ऑल दोज मेमोरीज विच आर नो लॉन्गर सर्व एनी पर्पस टू यू टुडे. सो दैट इज वाई वी आर चूजिंग डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज, राइट? सो देर आर द लेवल्स विच वी सी इन फैमिली कॉन्स्टलेशन. ओके, सो देर आर लाइक आई एम शेयरिंग लाइक 5 लेवल्स. तो पहले लेवल्स में, जैसे मैंने आपको बताया, फैमिली कॉन्स्टलेशन इज योर लाइफ इज कमिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर, योर लाइफ पैटर्न्स आर कमिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर, योर डिजीजेस आर कमिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर, योर लैक ऑफ वट एवर यू डोंट हैव इन योर लाइफ टूडे, वो भी आपके एंसेस्टर से ही आ रहा है, एंड थ्रू योर पेरेंट्स वट एवर यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग. तो बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता होंगी, वो ये है कि फर्स्ट लेवल में हम कैसे करते हैं कि सेल्फ पेरेंट्स बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, हाफ ब्रदर एंड सिस्टर्स, मिसकैरेज एंड अबॉर्टेड चिल्ड्रन एंड सिबलिंग एंड अनरिकग्नाइज्ड एक्स्ट्रा मैरिटल चिल्ड्रन. आई हैव डन, ये जो आपको मैं बता रही हूँ कि आई हैव डन अ कॉन्स्टलेशन फॉर अ पर्सन, दे वर वेरी रिच, लाइक उनकी वाइफ एक एक फिंगर में 5 या 6 लाख की अंगूठियां पहनती थी डायमंड की, राइट? उनका वो हाल हो गया
कि उनके पास कुछ बच ही नहीं रहा था, मतलब उनके बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं थे। व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग कॉन्सलेशन, मैंने सारे लेवल पे काम किया, लेकिन मैं उस केस को रिजॉल्व नहीं कर पाई। देन लेटर आई अंडरस्टूड थ्रू कॉन्सलेशन ओनली कि उनके ये लाइफ टाइम है, मतलब उन्होंने खुद ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया था जिसमें उन्होंने एक दो बच्चों को मतलब अबॉर्ट करवाया था। तो क्या होता है कि अगर आप उधर एस्ट्रोलॉजी में देखें तो आपका बुध खराब हो जाता है, राइट? और यहाँ पे क्या होता है कि मनी में आपके ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, और हस्बैंड वाइफ, ये इट्स अ फैक्ट, ये देखा गया है सारे सेशंस में, कि जहाँ हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाता है, दे बिकम मेंटली सेपरेट। मे बी दे लिव टुगेदर, वो बात नहीं है, लेकिन अगर दूसरा बच्चा आ जाएगा देन इट इज फाइन, क्योंकि वहां डीएनए आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जितने भी आपके इश्यूज हैं उसमें हम किस किस को देखते हैं, खुद को देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वहां से हमें कौन से इश्यूज आ रहे हैं, हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टर ब्रदर हैं, ओके, और हाफ सिस्टर ब्रदर हैं, मतलब अगर फादर की शादी हुई है, दूसरी शादी हुई है, या हमारे कभी स्टेप मदर फादर, मतलब मदर नहीं होती है तो दूसरी शादी भी कर लेते, तो हर तरह से जो आपके हाफ सिबलिंग्स हैं उनके सारे और उनके मिसकैरेजेस और उनकी सारी चीजें हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। हाउ मेनी ऑफ यू प्लीज रेज द हैंड दैट यू नो दिस फैक्ट कि अबॉर्शन एंड मिसकैरेज इतनी बड़ी बात होती है? डू यू नो दैट? हाउ मेनी ऑफ यू वर अवेयर अबाउट मिसकैरेज एंड अबॉर्शंस? जी मैम, दैट द सेल्स ऑफ द चाइल्ड रिमेन विद द वुमेन, ओके, एंड दैट इज हाउ यू क्रिएटेड दिस कनेक्शन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यू नो, एंड इट विल कैरी ऑन ऑन द डिफरेंट जनरेशन। एंड वो जो बच्चा है ही विल नॉट लेट यू ग्रो, आपका मनी में, आपके रिलेशनशिप में हमेशा एक फॉल आएगा ही आएगा, यू कैन नॉट ग्रो विद दिस, ओके? सो ये हमेशा होता है, और ये फैमिली कॉन्स्टेलेशन के अलावा मैंने कहीं नहीं सुना था। सो फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू नो आई वाज लाइक ओके। सो पितृ दोष का कारण ये भी होता है कि जो डेड चिल्ड्रन है उनको हम, दिस इज स्टिल बॉर्न है, या एबनॉर्मल बच्चे होते हैं तो डॉक्टर बोल देती है कि दैट यू गो फॉर यू नो अबॉर्शन, क्योंकि ये बच्चा सरवाइव करने वाला नहीं, अगर हो भी गया तो सारी लाइफ के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, या वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। कभी एक मेरी टीचर थी, शी वॉज कैरिंग ट्विंस, और उनका वेट इतना ज्यादा था कि वो ले ही नहीं पा रही थी, तो उनको अबॉर्ट कराना पड़ा। देन देर इज अ वे टू गिव देम प्लेस इन द फैमिली, दैट इज वॉट वी लर्न इन फैमिली कॉन्स्टलेशन। वी कैन नॉट से दैट कि जो अबॉर्ट हो गया उसका कोई मतलब नहीं था, इट इज अ वेरी बिग थिंग इन योर फैमिली, इट कैन चेंज अ लॉट इन कमिंग सिस्टर ब्रदर, और जो सिस्टर ब्रदर अभी हैं उस अबॉर्टेड बच्चे के, उनके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट जाता है। इन ए वे दे लिव अ डेड लाइफ, आर यू गेटिंग मी? ये उन लोगों को ही समझ में आएगा जो बहुत इस चीज को समझ पाएंगे कि यस, इन विच वे आई हैव लिव्ड अ डेड लाइफ, बिकॉज मेरा बड़ा भाई या कोई बहन नहीं थे। यू हैव टू गिव प्लेस टू ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर, दैट इज वाई दिस इज फैमिली कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन का मतलब समझ गए, स्टार कॉन्स्टलेशन, जिस स्टार की जगह जहां है उसको वही जगह मिलती है हमेशा, वो चेंज नहीं करते हैं। सेम वे अगर आपके फादर आपसे पहले आए हैं और आप आपके फादर के बाद आए हैं, तो यही आपकी फैमिली में जगह है। आपका छोटा भाई आपके बाद आए तो वही आपकी फैमिली में उसकी वही जगह है। अगर मेरे भाई मेरे से 12-13 साल बाद पैदा हुए तो मेरे भाई ही रहेंगे, वो मेरे बच्चे नहीं हो जाएंगे, अगर मैंने उनको रेज भी किया है तो भी, क्योंकि दिस इज हाउ वी फॉलो द फैमिली सिस्टम। अगर आप इससे उल्टे, बड़ा भाई कुछ कर नहीं पा रहा है तो छोटे भाई को बड़ा भाई बना दिया, देन द फैमिली विल ऑलवेज फील अ प्रॉब्लम इन प्रोसेसिंग थिंग्स इन द फैमिली। आप बड़े भाई को बड़ा भाई ही रहने दो, आप छोटे भाई से बोलो भाई तुम कर लो, बट तुम, आप किसी को बड़ा भाई नहीं बना सकते जो आपसे छोटा। आर यू गेटिंग मी ऑल? सो एक्चुअली प्रकृति में या नेचर में जो है वो यही फैक्ट है कि जिसकी जो जगह है वो वही रहेगी। दैट इज वाई द नेम इज फैमिली कॉन्स्टलेशन। इवन जो अबॉर्टेड बच्चे हैं, जो जिसके बाद अबॉर्शन हुआ है, उसको वहां हमें जगह देनी पड़ेगी।
वी कैन नॉट से दैट कि अबॉर्शन और मिसकैरेज के बाद तो क्या है, कुछ भी नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. आई नो मेनी वुमेन जो मेरे पास आई जिनकी हेल्थ बहुत खराब थी, उनके 3 या 4 अबॉर्शन हो चुके थे और दे वर नॉट अवेयर ऑफ दिस कि अरे उससे क्या होता है. मैंने कहा होता कैसे नहीं है भाई, आपकी पूरी हेल्थ हिल गई, आपकी पूरी फैमिली हिल गई, आपके बच्चे मतलब एक तरह से लॉस्ट हो गए, सो कैसे फर्क नहीं पड़ता है. तो बहुत सारे टाइम हम लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न होना चाहते हैं, लेकिन दिस इज नॉट अबाउट बीइंग मॉडर्न. फैक्ट इज अ फैक्ट. ओके, सो लेट मी शेयर अगेन. सो नाउ द सेकेंड लेवल इज अगेन द सिबलिंग ऑफ पेरेंट्स. तो पेरेंट्स के जो सिबलिंग्स हैं उनमें क्या हुआ, उससे भी हमारी फैमिली में बहुत इम्पैक्ट आता है. ठीक है, उनके भी अगर मिसकैरेजेस हुए, अबॉर्शंस हुए, और सिबलिंग और ग्रैंड पेरेंट्स एंड देयर हाफ सिबलिंग्स ऑफ पेरेंट्स एंड अनरिकॉग्नाइज्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं दे ऑल्सो टेक लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम योर फैमिली. इट वर्क्स इवन, अभी आपको और भी पता चलेगा. ये सेकेंड लेवल है. नाउ थर्ड लेवल पे सिबलिंग ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, मिसकैरेज, अबॉर्टेड सिबलिंग और ग्रैंड पेरेंट्स, अनएक्नॉलेज्ड रिलेशनशिप. पहले जमाने में ऐसा बहुत होता था कि घर पूरी फैमिली है, उसके बाद भी वो किसी और के साथ रह रहे हैं, घर का कोई भी जो मेंबर है, मेल मेंबर, एंड दे हैव देयर चिल्ड्रन, बट उन किसी को पता ही नहीं होता था क्योंकि पहले फोन वोन नहीं थे, कोई जान नहीं सकता था कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है. पहले ऐसा होता था, बट उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस आपकी फैमिली को झेलने होंगे. सो व्हेन वी डू फैमिली कॉन्स्टेलेशन, वी गिव देम देयर प्लेस इन द फैमिली, मे बी एज अ सेकेंड वाइफ और द चिल्ड्रन, देन ओनली यू कैन रिजॉल्व लॉट ऑफ इश्यूज इन योर फैमिली. आर यू गेटिंग मी ऑन? बात समझ में आ रही है? जी मैम, नाउ देयर इज अनदर लेवल ऑफ दिस इज ग्रेट ग्रैंडफादर, अनरिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप, वॉर विक्टिम्स एंड एंसेस्टर विद हैवी फेट, सीरियस एक्सीडेंट्स. तो जितने भी एक्सीडेंट्स आपके घर में होते हैं, दीज आर द ट्रॉमास इन योर फैमिली. आई एम टेलिंग यू हाउ मेनी सेशंस आई हैव डन विद द फैमिलीज हु वर माइग्रेटेड फ्रॉम द पाकिस्तान एंड कमिंग टू इंडिया, एंड वहां पे जो भी ट्रॉमा उन्होंने झेला, स्टिल इट इज देयर इन देयर डीएनए. स्टिल दे फील दैट फ्यूर इन दैम, स्टिल दे हैव दैट काइंड ऑफ ट्रॉमा जो उनको आगे बढ़ने ही नहीं देता. सेल्फ सबोटाज आपको ट्रॉमा से ही आता है, बिकॉज यू बिकम सो इनसिक्योर अबाउट योर लाइफ दैट यू स्टार्ट सेल्फ सबोटाजिंग. आर यू गेटिंग मी नाउ एवरीबडी? यस मैम। नाउ द नेक्स्ट लेवल इज ऑल दोज पीपल आर नॉट आवर डायरेक्ट डीएनए, बट दे हैव इन्फ्लुएंस ऑन आवर फैमिली, लाइक वॉर विक्टिम, अब्यूज विक्टिम. मतलब अगर सेक्सुअल अब्यूज हुआ है किसी के साथ तो देयर मैरिजेस आर गॉन. आई एम टेलिंग यू, इवन आपके एंसेस्टर के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है या रेप विक्टिम्स हैं, तो आपके यहाँ फैमिलीज में शादियां अच्छी नहीं होंगी, एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग. आई एम डूइंग एवरीथिंग बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू यू नो फाइंड आउट कि प्रॉब्लम कहाँ है. मैं खाना भी अच्छे से बनाती हूँ, मैं घर भी अच्छे से रखती हूँ, मैं कभी ऊंचा नहीं बोलती, मैं कभी मांगती नहीं कोई, फिर भी मेरी शादी अच्छी नहीं है. यू नो बिकॉज दीज ट्रॉमा योर पार्टनर सीज इन योर एनर्जी फील्ड, एंड दैट इज वाई यू गेट ओनली ट्रॉमा फ्रॉम पीपल. आर यू गेटिंग मी एवरीबडी? यस सो वाई वी डू नीड टू डू फैमिली कॉन्स्टलेशन, बिकॉज वी नीड टू हील आवर डीएनए, वी नीड टू रिलीज ऑल दोज मेमोरी फ्रॉम आवर एंसेस्टर. ओके, कि जो हमारी ना तो फैमिली के किसी काम का है और ना ही हमें वो आगे बढ़ने दे रहा है. तो द बेस्ट थिंग इज दैट टू डू फैमिली कॉन्स्टलेशन एंड आस्क देम व्हाट आर देयर पेन्स, व्हाट आर देयर यू नो ट्रॉमास. व्हेन दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, देयर ट्रॉमा, देयर पेन, यू एक्चुअली हील योर एंटायर फैमिली. आर यू गेटिंग? और ये फैमिली जो आप कर रहे हो फैमिली कॉन्स्टलेशन, आप हीलिंग आप अपनी कर रहे हो, लेकिन यू आर एक्चुअली डिसकनेक्टिंग ऑल दोज प्रॉब्लम्स, अनहील्ड इश्यूज ऑफ योर एंसेस्टर फ्रॉम योर कमिंग जनरेशन एज वेल. दे डोंट हैव टू डू दिस वर्क. ओके, सो एंड वाई वी नीड टू डू फैमिली कॉन्स्टलेशन? फॉर बेटर सर्वाइवल.
सो दैट वी कैन सर्वाइव इन अ बेटर वे. क्योंकि जितनी भी आप मोडेलिटी सीख रहे हो इसीलिए सीख रहे हो ना. सो हाउ टू जो बर्ड हेलिंगर है ही इज दी वंस फाउंडर ऑफ दिस मोडेलिटी. सो ही वेंट टू अफ्रीका बिकॉज ही वॉज द प्रीस्ट इन अ चर्च एंड ही वॉज हैविंग. तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे नहीं है शायद इंडिया में, लेकिन बाहर देशों में ऐसा है जो प्रीस्ट होते हैं उनको थोड़ा बहुत यू नो साइंस आती है, माइंड साइंस साइकोलॉजी थोड़ी बहुत जानते हैं. छोटी मोटी थेरेपीज वहां पे भी होती हैं जैसे फॉरगिवनेस, आपने लुई है की कहानी सुनी हो तो ही वॉज लाइक दैट. सो एंड ही वॉज इन टू आर्मी एंड बहुत कुछ था उनका. वो सारा आपको जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पूरा उनका मैं बताऊंगी कि हाउ हाउ वॉज ही एंड वाई ही इन्वेंटेड दिस. तो ही वेंट टू जुलू ट्राइब. तो वो लोग अपनी सारी प्रॉब्लम एंसेस्टर के थ्रू ही सॉल्व करते थे. तो ही हैज टेकन इट फ्रॉम देयर एंड देन ही मेड इट लाइक अ मोडालिटी. ओके, हर चीज उनके एक्सपीरियंस में जो उनके सेशंस में हुआ है उसके ऊपर बेस्ड उन्होंने बुक्स लिखी हैं. बहुत सारी बुक्स हैं एंड बहुत महंगी बुक्स भी हैं वहां पे. सो इट इज अ जर्मन थेरेपी और ये हमारे यहाँ बहुत पहले से थी इंडिया में, बट वी हैव नेवर यूज्ड इट. पहले हमारे जो साधु महात्मा लोग होते थे वो भी इसको यूज करते थे. बट क्या होता है ना कि हम अपनी ही चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते. तो नाउ वी आर लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल, राइट? सो ये जर्मन थेरेपी है जो आप सीखेंगे और ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट के साथ, हर सेशंस के साथ, एक एक चीज ट्राइड एंड टेस्टेड करके आपके सामने लाई गई है. एंड जर्मनी में ये हर जगह होता है, इवन आपके पुलिस स्टेशंस में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है फैमिली कॉन्स्टेलेशन, एंड ऑफ कोर्स फैमिलीज में तो डेफिनेटली होता है, राइट? अगर आप ये फैमिली कॉन्स्टेलेशन सीख रहे हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि यू आर गोइंग टू नो योर सेल्फ बेटर नाउ. कि अगर मेरी ये हैबिट है तो ये कहाँ से आई है. वहां पे जर्मनी में लोग छोटी छोटी चीजों के ऊपर कॉन्स्टेलेशन करते हैं कि मैं ज्यादा क्यों खरीदती हूँ, या व्हेन आई सी दिस काइंड ऑफ थिंग, या मैं इस चीज के लिए ज्यादा क्यों मतलब भागती हूँ कि मेरे पास ये होना चाहिए ये होना चाहिए. सो दे अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग व्हाट दे डू इज कमिंग फ्रॉम देयर डीएनए. दे आर डूइंग वन और दी अदर एक्ट ऑफ देयर एंसेस्टर्स. आर यू गेटिंग मी एवरीबडी? सो मैम, दिस इज एक लेडी के लिए एंसेस्टर्स क्या होंगे? मतलब उसके ससुराल वाले या मायके वाले या दोनों कंसिडर होंगे? दोनों दोनों. आप मुझे एक सवाल का जवाब जो मैं हर फैमिली कॉन्स्टेलेशन के वेबिनार में क्लास में बात होती है, मुझे आप एक चीज बताइए. एक लड़का लड़की एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, एंड देन जब शादी होती है तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन जाते हैं कि अरे मैंने तो इससे शादी की थी तब ये ऐसा था अब ये बदल गया है. वो बदल नहीं गया, वो वैसा ही था. यू नो दिस इज हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स व्हेन यू मीट समवन. बट जब दुल्हन एक अपने इन लॉस के घर में कदम रखती है तो सारे इन लॉस के जो पैटर्न है, जो उसकी मदर इन लॉ की जगह पे वो आई है ना, नेक्स्ट द नेक्स्ट जनरेशन, तो उनके घर के पैटर्न्स उसको कैरी करने ही होंगे. एंड दैट इज हाउ यू चेंज. आर यू गेटिंग मी? सो जी मैम, लड़ाई झगड़े क्यों पहले नहीं हुए, अभी क्यों हो रहे हैं शादी के बाद? बिकॉज अनोइंगली यू आर सेंसिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन योर इन लॉज हाउस विच इज नॉट ओके फॉर यू. आपको लगता है अरे मेरे घर में तो बहुत आजादी थी, यहाँ तो ऐसा करो वैसा करो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट एक्चुअली शायद आपकी मदर इन लॉ की लाइफ भी वैसी ही रही होगी. अगर आप जब करेंगे ना सेशंस तब आपको समझ में आएगा कि वो उन्होंने क्या क्या नहीं किया है, झेला है, अब आप झेलोगे वो सब कुछ. दैट इज हाउ इट हैपन्स, दिस इज नॉर्मल. यस सर, बोलिए. एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा था, इसमें एक्सपीरियंस जो हम लोग करते थे पहले, तो एक फैमिली ट्री बनाया जाता है इसमें, शायद इसमें होगा कि नहीं मालूम नहीं, क्या हम लोग चीज? जब किया था, एक फैमिली ट्री बनाया जाता है, फैमिली हाँ ट्री, ऑफकोर्स, यस, वो तो मैं पहले दिन से तो कहती हूँ. उसमें किसी का मतलब जो उसका घर का, अभी जैसे अभी किसी को करवाना है तो उनको हम लोग क्या करते हैं, हमारा जैसे मतलब सिस्टम है कि हम लोग उनको क्या करते हैं कि उनको एनर्जी बुलाते हैं सब आसपास में, हम लोग 10-12 लोग रहते हैं हिप्नोथेरेपिस्ट में, और उनको एनर्जी बोला। मैंने देखा कि अगर एनर्जी दिया तो हमारे कलीग को ब्लड से मुंह मतलब मुंह से ब्लड आ गया किसकी एनर्जी, पूछा? मतलब फैमिली कॉन्स्टेलेशन हम लोग कर रहे थे, तो नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग फैमिली कॉन्स्टेलेशन. ऐसा कुछ नहीं होता है. आपने जो भी किया है वो फैमिली कॉन्स्टेलेशन तो नहीं था, बिकॉज आई नो.
ये फैमिली कॉन्स्टेलेशन में बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड जो भी था वो शायद उन्होंने अपना कुछ किया होगा, क्योंकि उस ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। इवन लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज कम्स बिकॉज जो है फैमिली में वो दिखेगा, बट ऐसा नहीं होता है। नहीं, वहां पे जैसे मैं बताया, हम लोग जो किया था उसमें, कि वो फैमिली ट्री में जो जो करवा रहे हैं, वो अपना वो बोलते हैं कि मैं उनका एनर्जी इनके पर मतलब तो डालता हूँ, शायद तो मैडम अभी 136 नहीं मैडम। दे वो कुछ और होगा फिर। ये फैमिली कॉन्स्टेलेशन में तो इस तरह की कोई चीज नहीं होती है। इट इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग। लेट मी टेल यू नाउ द व्हाट हैपेंस इन फैमिली कॉन्स्टेलेशन। आपके एंसेस्टर यहाँ, आपके पेरेंट्स यहाँ और आप यहाँ, ठीक है, आप सब आए हैं। व्हाट इज द मेन थिंग व्हाट वी आर डूइंग इज टू क्रिएट अ फ्लो ऑफ लव इन द फैमिली। आप कैसे किसी इंसान के साथ नहीं रह सकते, और या आप चाहे भी तो ज्यादा खींच नहीं सकते जिसको आप प्यार नहीं करते हैं, राइट? करेक्ट। आप द मेन थिंग इन फैमिली कॉन्स्टेलेशन इज टू क्रिएट लव फ्लो बिटवीन द जेनरेशंस, सो दैट व्हेन द लव कम्स टू योर चिल्ड्रन इट शुड बी अनइंटरप्टेड। ओके, सो ऐसा तो बिल्कुल फैमिली कॉन्स्टेलेशन में नहीं होता। मेरे ख्याल से वर्ल्ड के हर थेरेपिस्ट, हर हीलर के साथ ट्रेंड हुई। आप मेरी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, साइकिक हीलिंग बाय उजाला। आप देखेंगे कोई ऐसा बाकी कोई क्वांटम हीलर नहीं बचा, कोई ऐसा नहीं बचा जिसके साथ मैंने ट्रेनिंग ना ली हो। बट ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा तभी होता है जब कोई चीज सही नहीं होती। बिकॉज अगर ये सब ही होना है तो हम थेरेपी क्यों कर रहे हैं? ये तो और बिगड़ने वाली बात हो गई। नहीं, बिगड़ना नहीं, वो जैसे मतलब एनर्जी आया, तो एनर्जी आने के बाद उसको रिलीज किया गया, और रिलीज करके उसको ठीक किया गया, वो आदमी ठीक ही हुआ। ये दिस इज नॉट द राइट वे टू रिलीज। और यहां तक ओके तो बात ही नहीं जाती है, यहां तक तो बात ही नहीं जाएगी। मेरे पास रोज दिन में मिनिमम 3 मैक्सिमम 6 या 7 कॉन्स्टेलेशन रोज होते हैं। आई हैव नॉट एनी टाइम एनकाउंटर दिस काइंड ऑफ थिंग। तो वो कुछ इसमें और ही मतलब है, वो इसमें फैमिली सिर्फ कॉन्स्टेलेशन तो नहीं है। ओके तो मतलब इसमें सिर्फ आप अकेले करते हैं, या तो फिर और कुछ लोग को मतलब साथ में मतलब इन्वॉल्व करते हैं? ये लोगों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, ये लोगों के साथ भी होता है। बट आई थिंक कि जो भी आप करते हैं वो उनका अपना बनाया हुआ कुछ होगा, क्योंकि फैमिली कॉन्स्टेलेशन वेरी डिफरेंट देन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। सो ओके फॉर नाउ आई एम टेलिंग यू आई यूज दीज पपेट्स। ओके, ये पपेट्स मैं यूज करती हूँ, ठीक है। ये स्पेशली फैमिली कॉन्स्टेलेशन के लिए ही बनाए गए हैं, ये कोई खिलौने नहीं है। इट इज फॉर थेरेपी ओनली। और जो भी आपने किया है या जो भी आपने सीखा है वो फैमिली कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा नहीं हो सकता, ओके सर, शायद ठीक मेथड है। अलग होगा। और या फिर कोई गलत चीज, मतलब गलत कोई टेक्निक हो गई है या कोई चीज ऐसी हो गई है जो ठीक नहीं थी, ये सब नहीं हो सकता उसमें। उसका रीजन मैं बताती हूँ। बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट द फैमिली कॉन्स्टेलेशन वी आर ऑलरेडी इंटेंडेड टू ब्रिंग द फ्लो ऑफ लव इन द फैमिली। बिकॉज अगर आपके पुरखे झगड़ते रहे होंगे तो आप भी शांत नहीं रहेंगे, आपके भी मन में शांति कभी नहीं आएगी। आप पूजा पाठ कराएंगे थोड़ा बेटर हो जाएगा। पहले काल सर्प इसकी पूजा दोष की पूजा होती थी 15 15 दिन शमशान में होती थी टू चेंज योर डीएनए। इट्स नॉट दैट इजी। और आज होती है 2 घंटे की पूजा भी मुश्किल से। तो क्या फर्क पड़ता है आपको? कोई फर्क पड़ता है उससे? नहीं पड़ता। सो वेन वी डू फैमिली कॉन्स्टेलेशन वी डू इट विथ टोटल ईज। कितने भी थके हारे आपके एंसेस्टर आएंगे, व्हेन यू आस्क दैट यू आर माय एंसेस्टर, आई एम योर प्रेजेंट जनरेशन एंड आई हैव दिस प्रॉब्लम, तो वो आपका एंसेस्टर आपको देखेगा, आपको समझेगा, बिकॉज ही नोज दैट ही इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ माइंड। वो उसमें कोई नेगेटिव चीज आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इवन इफ देर इज एनी एनर्जी यू कैन नॉट हैव दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी देयर। जो वो आप बता रहे हो ना, वो मैंने दूसरों को भी बताया। पहले भी एक हमारा ये क्लास हो चुका है, वहां पे ही मैंने उनको बोला कि हर चीज करने का ना एक सही तरीका होता है। आप सिर्फ सही तरीके से करो। आप बर्ट हेलिंगर सेज यू जस्ट डू योर थेरेपीज विद योर मदर, यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ, डोंट डू विद द फादर। सो ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं आपसे बोलती हूँ अगर आप कोई चीज नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हो तो देर इज अ हुक इनसाइड यू, नॉट दी अदर पर्सन। अदर पर्सन तो आपको बोल रहा है कि मैडम अपना को ठीक कर लो, कुछ तो प्रॉब्लम है आपके अंदर। सो दिस इज वॉट इज हैपनिंग एंड दैट्स वेयर वी लर्न।
एंड दे आर द टीचर्स हु आर टीचिंग अस हाउ टू लर्न बेटर. आर यू गेटिंग मी? सो फैमिली कॉन्स्टेलेशन में आप जो सीखने वाले हैं उसमें सब कुछ है. आप अपना मनी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप अपना रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप जो बोलो. दिस इज अ बेसिक लेवल, बट दिस इज द लेवल जो आपको स्टैब्लिश करेगी एज फैमिली कॉन्स्टेलेशन फैसिलिटेटर. ओके, सो ये जो आप 2 महीने का कोर्स डिजाइन किया है, इसमें आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल्स, चैनलिंग वर्क सब कराया जाएगा. जो लोगों को लगता है कि आई कैन नॉट डू चैनलिंग, बहुत आराम से आप कर पाएंगे. आपको फीलिंग हो सकता है कोई 4 दिन बाद फील करे, कोई 4 दिन पहले, एकदम फर्स्ट टाइम. एक्चुअली द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग काउंसलेशन इज, जैसे मान लीजिए प्रमोद जी को करना है अपना किसी प्रॉब्लम पे, तो उनको ही चैनल करना चाहिए. लेकिन जैसे मेरी बहुत सारे क्लाइंट्स अवेलेबल नहीं होते, या वो किसी दूसरी कंट्री में है, उनका टाइम डिफरेंस दूसरा है, तो मैं यहाँ चैनल के साथ करती हूँ और उनको मैं रिपोर्ट भेज देती हूँ कि भाई ये ऐसा ऐसा आया आपके उसमें, करेक्ट? क्योंकि वॉट एवर आई एम डूइंग इज अ प्रॉपर फैमिली कॉन्स्टलेशन विच पीपल लर्न फ्रॉम बर्ट हेलिंगर इंस्टीट्यूट. सो आई हैव लर्न फ्रॉम देयर. तो ऐसा वहां इंस्टीट्यूट में कभी किसी के साथ नहीं हुआ, और आज तक मेरी किसी क्लास में आई थिंक देर आर पीपल. इकबाल जी थी ना, अभी आई थी. आर यू देयर? आई डोंट थिंक शी इज देयर. सो वो भी थी. तो ऐसा कभी नहीं होता है. अगर आप किसी एनर्जी को पोक करोगे तो वो आएगी, नहीं तो कोई नहीं आता. सो जैसे मैंने आपको बताया, पास्ट लाइफ में भी यही प्रॉब्लम होती है कि लोग पास्ट लाइफ सिखा देते हैं, लेकिन वो पास्ट लाइफ देख के करना क्या है वो बहुत कम लोगों को पता होता है. कि पास्ट लाइफ आपने देखा, आप मर गए उसमें, एक्सीडेंट हो गया, तो नाउ व्हाट टू डू विद दिस पास्ट लाइफ? आप वापस नहीं आ सकते. वहीं पे तो उसको रिलीज करवा दिया जाता है ना, तो मतलब हाँ, रिलीज वहां पे हीलिंग तो आपको मतलब रिलीज करना है, आपको पूरा हील होना है वहां पे, आपका ट्रॉमा रिलीज करके ही आप वापस आ सकते हो. अदरवाइज यू विल लिव विद दिस ट्रॉमा फॉर होल ऑफ योर लाइफ. तो एवरी मोडालिटी हैड इट्स ओन वे ऑफ डूइंग, और मुझे ऐसे लगता है आपको स्ट्रिक्टली वो फॉलो सबको करना चाहिए. तो इसमें फैमिली कॉन्फ्यूशन में भी तो ऑलरेडी वहीं पे हील किया जाता है, जो मतलब मान लीजिए कुछ बैड भी हुआ तो हील तो वहीं पे किया जाता है, मतलब हाँ, अपने वहीं पे हील करेंगे. और देर आर लॉट ऑफ मेथड्स, टेक्निक्स, डायलॉग्स विच हैज गिवन टू यू, और आपको मिलेंगे वो, और आप उसके हिसाब से ही बहुत सारे डायलॉग्स तो आपको करते करते ही याद हो जाएंगे कि हाउ टू डू इट, यू नो. अच्छा, अब आप में से कौन चैनलिंग कर सकता है बताइए. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. मैम इन दिस इनर चाइल्ड हीलिंग ऑल्सो विल बी देयर सॉरी. इन दिस फैमिली कॉन्स्टेलेशन. इनर चाइल्ड हीलिंग थेरेपी ऑल्सो इज इनर इंक्लूडेड. चाइल्ड तो एनी वे इट इज गोइंग टू कम. इवन यू कैन अच्छा हील योर पेरेंट्स इनर चाइल्ड हियर, बिकॉज सो मेनी टाइम्स वेन योर पेरेंट्स इनर चाइल्ड इज नॉट हील, यू टेक दैम ऑल्सो विथ यू. आर यू गेटिंग ओके मी? या सो यू ऑलवेज हील, बिकॉज मुझे वो जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था इनर चाइल्ड इंटीग्रेशन थेरेपी में, उसका मुझे बेनिफिट यही मिलता है दैट आई कैन हील द इनर चाइल्ड टू द कोर, कि उसका कोई इश्यू रह ही नहीं जाए, चाहे वो आपका हो या आपके पेरेंट्स का हो, किसी का भी हो सकता है. इवन आर चिल्ड्रन, वी कैन हील आर चिल्ड्रन ऑल्सो. आई वुड से दैट पूरी फैमिली में से, जैसे मान लीजिए आपकी मदर है, आप हैं और आपके बच्चे हैं, सपोज कि यू हैव अ गर्ल और बॉय, डजंट मैटर. ओके, ओके सो फॉर अस व्हेन वी आर हीलिंग द प्रॉब्लम ऑफ द सोल ऑफ योर एंसेस्टर, वट एवर. सो अगर आप अपनी ओके मदर को भी हील करेंगी ना, तो आपके बच्चे तक हील होंगे, और आप खुद अच्छा को ले लेती है तो आपकी मदर भी हील होंगी, आपके बच्चे भी हील होंगे. ओके सो इट डजंट मैटर वेदर यू आर हीलिंग योर सेल्फ, क्योंकि एनी वे प्रॉब्लम तो आप अपनी ही लेंगी ना. बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके बच्चों को बिलीव नहीं है, अरे नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर फैमिली काउंसलिंग, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस. सो आई से दैट यू पुट योर प्रॉब्लम विद योर चाइल्ड, एनी वे इज गोइंग टू हील. ओके आर यू गेटिंग मी? सो यस यस स्मार्ट थेरेपिस्ट भी होते हैं ना दुनिया में. डू यू डोंट हैव टू गो विद द वही करना है, ऐसा जरूरी नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हो. व्हेन यू आर ओके एक्सपीरियंस्ड यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. कि मत बताओ तुम, चलो हम अपने बिलीव के साथ ही कर लेंगे, बिकॉज एनी वे योर चाइल्ड इज योर डीएनए,
इफ यू हैव अ प्रॉब्लम ही इज गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम, सो यू सॉल्व योर प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएगा. अच्छा इफ अ मदर इज हेल्दी, मदर इज प्रोग्रेसिव, मदर इज हैप्पी, देन नो मैटर कि कुछ भी होने दो, आपका चाइल्ड तो ग्रो करने ही वाला है. बिकॉज मदर कम्स मदर्स फ्रॉम द मदर्स वूम. जिसको बेस फादर ने दिया है, अफकोर्स फादर मेंटली हमेशा प्रेजेंट रहेगा, बिकॉज पुरानी टाइम से ये चला आ रहा है कि मैन आर द प्रोवाइडर्स, वुमेन आर द ऑर्गेनाइजर्स, राइट? दे विल ऑर्गेनाइज एवरीथिंग इनसाइड द हाउस, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज. सो मेनी टाइम्स इन फैमिली कॉन्स्टेलेशन यू हैव टू टेल योर एंसेस्टर, नाउ दिस इज योर बिलीफ विच इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी टूडे, इट वॉज ओके इन योर टाइम्स, बट नाउ इट डजेंट वर्क फॉर मी, इन नॉट सर्विंग एनी पर्पज इन माई लाइफ, सो यू हैव टू से टू योर एंसेस्टर, देन दे अंडरस्टैंड. सो देर इज अ वे टू चेंज पैटर्न इन योर लाइफ वेन यू डू फैमिली कॉन्स्टेलेशन. ओके, या हु इज द मोर इंट्यूटिव पर्सन हु वुड लाइक टू चैनल टूडे, बताइए. ओके कार्तिक जी, आप करिए. ओके, सो दिस इज दिस टू योर मदर योर फादर, ओके, एंड दिस इज यू एस चाइल्ड. ओके ओके सॉरी, ये थोड़ा लड़की है, मैं लड़का लेके आती हूँ, एक सेकेंड. नो वरीज हाँ, दिस इज द बॉय, यू विल फील बेटर. सो दिस इज द बॉय, दिस इज यू, ओके, दिस इज द कार्तिक, दिस इज योर मदर एंड द फादर. नाउ डजेंट मैटर कि आपके मदर फादर का नाम क्या होगा, लुक एट यू एंड फील हाउ यू आर फीलिंग नाउ. एम फीलिंग नाउ या यहाँ पे सीइंग दिस आई फील स्ट्रॉन्ग माय पेरेंट्स आर एट माय बैक. फीलिंग गुड, राइट? I'm feeling good. ओके, नाउ आई एम कीपिंग यू लाइक दिस, टेल मी हाउ यू आर फीलिंग नाउ, लुक एट योर दिस थिंग एंड टेल मी हाउ यू आर फीलिंग. It's a slight heaviness I feel. I feel ओके ओके ओके. they're about to scold something. डू यू हैव सिस्टर ब्रदर, Yeah, I was younger sister. यंगर सिस्टर? ओके, चलो आपकी सिस्टर को भी लाते हैं. येरी सिस्टर, हाउ योर सिस्टर इज फीलिंग? How is my sister feeling? या I guess my sister is feeling withdrawn. withdrawn. Now how you're feeling? पहले आई वॉज फेसिंग नहीं नहीं आई एम सॉरी, इससे पहले जो आपने किया था आई वॉज फेसिंग, Parents. नाउ आई एम फेसिंग. You are not facing. You are just. You are. You know that your parents are behind you. How you feeling? I'm going to turn that side now. Do you have any complaint to tell them? Yeah, I might be, yes. See. Yeah. So even how he is feeling when he is facing the parents, if the child wants to turn and wants to see face to face the parents, that means you have some complaint to tell your parent. He was feeling good when he was like this. Matlab, when he was feeling that parents are back, so he was feeling strong. Yes. ओके, द मोमेंट यू हैव, सी फैमिली कॉन्स्टेलेशन का फंडा ये है कि इफ यू हैव कंप्लेंट्स विद योर मदर एंड फादर, यू विल हैव हैड लॉट ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम होल वर्ल्ड, स्पेशली विद योर पार्टनर. आर यू गेटिंग मी? सो द मोमेंट ही सेज कि आई वॉन्ट टू फेस माई पेरेंट, आई नो दैट ही हैज सम कंप्लेंट्स, एंड विच एवरी चाइल्ड हैज. नो मदर फादर इज परफेक्ट, सो देर इज अ टेक्निक विच इज कॉल्ड आउटरीच अनइंटरप्टेड मूवमेंट, वेर यू फुल द अटेंशन ऑफ योर मदर और फादर टूवर्ड्स यू. कई बार क्या होता है कि मदर इज सो बिजी विद सास ननद थ्योरी कि उसको याद ही नहीं रहता मेरा बच्चा है, उसको खाना खिलाया, उसको नहलाया, बस बात खत्म. बट एक्चुअली देन योर मदर इज इमोशनली नॉट प्रेजेंट, शी वॉज प्रेजेंट फिजिकली. सो क्या होता है, ऐसे बच्चों को हमेशा क्रेविंग रहती है. इफ यू सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गोइंग टू
prostitutes and all those things happens when the mother was not there for the child. So he's looking that love from all those women. Or extramarital affair, maybe wahi hota hai ki when you are not very well connected, you were not focused by your mother, you will have that kind of emotions that you would like to satisfy them. You will self-sabotage. Are you getting me now? जब आपकी मदर से आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, when you feeling good with your mother, then you will have a very good relationship with your partner and you don't feel like to look anywhere, like here and there. You feel like it's okay, it's fine. So the purpose of doing family constellation is to raise your awareness level. Secondly, you will have better understanding with your family members. Okay. Third, you feel more connected with yourself so that you can connect with your family very well. Because ultimately, aap kuch bhi kare bahar, your family is your ultimate support, right? Uske bina to kuch nahi ho payega. So, even in family constellation, you will understand ye jo jitna bhi hai, ye sab apne aap ko recognize karne ki baat hai. Ki who we are and why we are like this and what we want from life. Yeah? So, हमें जब फैमिली कॉन्स्टलेशन समझने का मौका मिलता है, फैमिली कॉन्स्टलेशन करने का मौका मिलता है, देन वी अंडरस्टैंड व्हाट आर रियल प्रॉब्लम्स. ओके, सो एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो. सो मैम, ये ऑल लेवल्स हमारे कितने ड्यूरेशन में होंगे मैम? आई थिंक फॉर नाउ, एक्चुअली ये बहुत लंबा कोर्स है और इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है आपको. You know, जैसे अभी मैंने इनको दिखाया कि ये आपको कैसा फीलिंग हो रहा है, एंड दैट सिस्टर इफ शी इज फीलिंग विदड्रॉन, मे बी शी हैज सम इश्यूज विद योर पेरेंट्स, तो उसका आप देखो. हाउ शी इज मैरिड और नॉट मैरिड, कार्तिक जी? या शी इज मैरिड, शी इज मैरिड, शी इज मैरिड, शी हैज सम इश्यूज विद हस्बैंड? नो, नथिंग एज सच. ओके, मे बी एज ब्रदर वो आपको उतना ही बताएगी जितना वो बताना चाहती है, बट जब अगर वो विड्रॉन है तो शी मस्ट बी नॉट कनेक्टेड इन द मैरिज, तो वो थोड़ा सा उसका डिस्कनेक्शन हो सकता है. बिकॉज एनी वे शी इज योर सिस्टर डजंट मीन यू कैन नॉट चैनल हर एनर्जी, बट यू कैन नॉट अननेसेसरी चैनल एनी बडीज एनर्जी. प्लीज बी केयरफुल, विदाउट परमिशन डोंट चैनल एनी बडीज एनर्जी. नो, बट आई वेरी सॉरी, but I feel my sister's relationship with my parents is far better than mine. हाँ, उसका रीजन है. देखो, गर्ल्स का क्या होता है कि ये थोड़ा सा एक वैसी बात भी है, सोशल बात भी है. गर्ल्स आर मोर इनटू सोशलिज्म एंड मोर इनटू रिलेशनशिप्स देन बॉय, यू नो, ब्रदर और एनी अदर पर्सन इन हाउस. सो वो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एट द कोर मे बी शी इज नॉट फीलिंग सो कनेक्टेड. हमारे कंट्री में एक बिलीव भी है दैट गर्ल्स आर फॉर देयर फैमिली, मतलब जहां वो इन लॉज के साथ जाएंगी वो उनकी फैमिली, वो ये हमारी फैमिली नहीं है. एक्चुअली ऐसा नहीं होता. जितना ज्यादा वो अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड रहेगी, उतना अच्छा वो अपने इन लॉज के यहाँ रहेगी. शी कैन सर्व देम बेटर. सर्व देम मीन्स टू हैव गुड कनेक्शन विद द पेरेंट्स इन लॉज, एंड शी विल हैव गुड कनेक्शन विद हस्बैंड एंड द चिल्ड्रन. सो ये ऐसे होता है. अब हम लोग क्या है, शुरू से ही शुरू हो जाता है, अरे लड़की है इसको तो दूसरे घर जाना है, दूसरे. अरे इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज ऑल्सो हर हाउस, शी हैज द प्लेस इन दैट हाउस. शादी के बाद यू कैन नॉट से दैट शी इज नॉट माई गर्ल नाउ, शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ दिस पर्सन. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बायोलॉजिकली शी इज योर डॉटर एंड शी विल बी योर डॉटर ऑलवेज, एंड शी विल हैव हर प्लेस इन द फैमिली. डजेंट मैटर वॉट यू थिंक एंड सोसाइटी थिंक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आर यू गेटिंग मी एवरीबडी? लॉट ऑफ वुमेन हैज अ प्रॉब्लम इन इंडिया विद गायनिक प्रॉब्लम्स, एंजाइटी प्रॉब्लम्स, विच इज नॉट योर पीसीओडी, बिकॉज यू हैव सीन योर मदर्स सफरिंग. सो यू लॉस्ट बिलीव ऑन बींग फेमिनाइन. आपको ऐसा लगता है जिसको पीसीओडी है कि बींग वुमेन देर इज नथिंग, तो दे डोंट ट्रस्ट देयर ओन हार्मोन्स. They don't want to be a woman because उन्होंने देखा है, या वो जो traumas उनकी मदर ने अपने in-laws में या अपने parents के साथ लिए, जहां पे उनको recognition नहीं मिला, जिनको respect नहीं मिली, जिनको ये बताया नहीं कि as woman you are important, that will go to the girl and girl will have the PCOD problem. Even in boys, when they have lot of stress of taking care of the family, all those guys have, क्या बोलते हैं उसको,
एडीएसडी, दो एडीएसडी इज एंटिटी इशू, स्किज़ोफ्रेनिया इज एंटिटी इशू, बट एंजाइटी इज नेवर योर, स्ट्रेस इज नेवर योर, इट्स योर एंसेस्टर्स, दैट्स इट, वो आपका है ही नहीं. व्हाट माय पॉइंट एवरीबॉडी? सो एनी क्वेश्चंस लेट मी नो. And there's one more thing I wanted to ask you. हाँ Like you said that 30% of the issues are related to your father and 70% like health, money and relationships with your mother and 30% of stability and स्टेबिलिटी एंड boundaries with your father. बाउंड्रीज द So प्रोटेक्शन. if you have relationship issues or health issues or money issue, so can't it be related to your father's side also? सी लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर, देर इज नो सेट रूल कि आपका जो मनी प्रॉब्लम है, हो सकता है वो आपके फादर में कहीं कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा हो गया हो, कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया हो फादर साइड में, दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ बाउंड्री नो, कि कोई चीज का लॉस ना हो. ये बाउंड्री भी तो फादर ही देता है ना, कि यू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग बाउंड्री दैट यू नो वॉट टू डू नाउ. ओके सो यू विल नॉट हैव स्ट्रेस. सी दुनिया में सब कुछ चलता है, आपकी लाइफ में सब कुछ चलेगा, लेकिन जब आप थेरेपी करेंगे यू वुड नो दैट वाई इट इज हैपनिंग एंड फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, सो यू कैन हील दैट पार्ट ऑफ इट. सो एटलीस्ट 50-60% तो यू आर सेव्ड, बाकी थोड़ा कार्मिक होता है, और जो आपने डिसाइड किया है उसको समझने में जो थोड़ा टाइम आपको लगेगा ना, दैट इज द ओनली थिंग, बाकी आप संभाल सकते हो. तो इट कुड बी योर फादर साइड, बट मेजरली अगर आप इसको फैमिली कॉन्स्टेलेशन करेंगे, इट इज कमिंग फ्रॉम योर मदर साइड ओनली. सो जिन लोगों का पैसा बार बार डूबता है, डेफिनेटली इट इज फादर साइड इश्यूज, बिकॉज आप अपने अपने आप को स्टेबल ही नहीं रख पा रहे हो, आपकी बाउंड्रीज ही नहीं है, सो इट इज नॉट द मदर साइड. ओके या आप आपका बार बार बिजनेस शुरू कर रहे हो, बार बार बंद हो रहा है, शुरू कर रहे हो बंद हो रहा है, दिस इज मे बी इट इज कमिंग फ्रॉम योर फादर साइड, बिकॉज फादर कहीं ना कहीं. और ऐसा भी नहीं कि अगर आपके फादर का बिजनेस बहुत अच्छा और आपका नहीं चल रहा, तो मतलब फादर का चल रहा है तो मेरा क्यों नहीं चल रहा. मे बी द फादर्स फादर, उनके फादर वहां कहीं से कुछ हुआ हो, बिकॉज एज आई से देर इज नो सेट रूल दैट यू विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम योर फादर. यू कैन टेक एनी कर्ड्स फ्रॉम एनी ऑफ योर एंसेस्टर. वेन यू डू फैमिली कॉन्स्टेलेशन देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड, ओके दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस एंसेस्टर. आर यू गेटिंग मी नाउ? सो ऐसा नहीं है कि जो कुछ आप ले रहे हो सिर्फ, मगर मदर का मतलब होता है मदर साइड लीनियज, चाहे वो 10 जनरेशन बैक से आए हो, 5 से आए हो, 2 से आए हो, डजंट मैटर, वो आया मदर साइड से ही है. शादी के जितने भी इश्यूज होंगे आप देखेंगे सारे मदर साइड से ही आ रहे होंगे. अगर आप दो लोगों की मैरिज का कॉन्स्टेलेशन करेंगे ना, कभी इश्यूज आएगा मतलब वाइफ की तरफ का, कभी इशू आएगा हस्बैंड की तरफ का, कभी इधर से आएगा कभी उधर से आएगा, बिकॉज यू नेवर नो, यू आर द डीएनए ऑफ मल्टीपल ऑफ योर यू नो एंसेस्टर. आई विल गिव यू दैट वन लेक्चर ऑन दैट, कि हाउ मेनी पीपल आर गिविंग योर लाइफ. जो लाइफ आज आपके पास है वो डीएनए कितने लोगों से आपके पास आया है, हाउ मेनी एंसेस्टर आर सपोर्टिंग यू एट दिस टाइम, राइट? ओके सो एनी अदर क्वेश्चन? कैन आई आस्क वन मोर प्लीज? यस लाइक आई एम मैरिड, सो या माय वाइज फैमिली इज आल्सो कनेक्टेड एस्ट्रोस्टेलली टू मी ऑफ कोर्स. यस यस फ्रॉम अ मैन लक्ष्मी साइड. है वो आपकी, तो अगर लक्ष्मी में आपकी प्रॉब्लम हो रही है तो अपनी लक्ष्मी साइड में ही देखना पड़ेगा आपको, कि आप अपनी मम्मी से कहाँ ब्लॉकेजेस लेके आए हो. दैट इज व्हाई वी से ना, कि व्हेन द गर्ल विल कम इन द हाउस देन आपका भाग्य जगेगा, क्योंकि वो जो एनर्जी है फेमिनिन एनर्जी जब आपके साथ ऐड होती है, देन योर 70% लाइफ इज सेट, आपका खाना पीना सेट हो जाता है, राइट? आपका एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, कि भाई कोई तो है दुख सुख कहने वाला, राइट? और मनी कैसे मैनेज होगा वो करती है, पैसा आप कमाते हो लेकिन मैनेज वो करती है, उसका जो शो है मतलब हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू बी, वो उसके हाथ में होता है. तो इसलिए एंड दिस इज नेचुरल, मतलब ये ऐसा ही है. मैन हैज देयर ओन क्वालिटी. 30% का मतलब ये नहीं कि मैन इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनफ, बट वो 30% में ही बहुत कुछ आ जाता है. आपके पास घर हो, आपके पास सब कुछ हो, लेकिन नीचे जमीन ना हो तो क्या फायदा, करेक्ट?
सो द फादर इज प्रोवाइडिंग दैट स्टेबिलिटी, दैट वो जमीन आपको उनसे मिलती है. तो ऐसा नहीं कि 30% में कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू उसकी भी उतनी ही है, बट जो मेजर पार्ट है, जो आप डे टू डे लाइफ में आप डील करते हो, दैट इज 70% पार्ट कमिंग फ्रॉम योर मदर. नो नो, आई आस्क्ड अबाउट माय इन-लॉज। यस ऑफ कोर्स, आपने शादी कर ली तो उनके भी जो सिस्टम है, जो उनके पैटर्न्स है, वो आपके ऊपर भी आएंगे, ओके बिकॉज फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड विच यू सी इज योर फादर, द फर्स्ट वुमेन यू सी इन द ऑन द अर्थ इज योर मदर. सो योर पार्टनर विल लाइक योर मदर. सो योर हज यू आर द हस्बैंड ऑफ योर वाइफ, सो शी विल से दैट ही इज द मैन, ही इज लाइक माई फादर. समवेयर शी विल से वन डे, क्योंकि आपके माइंड में जो डेफिनेशन बनती है, हु इज द मैन एंड हाउ इज द मैन इज लाइक माई फादर, हु इज द गर्ल एंड हाउ इज द गर्ल इज लाइक माई मदर. ओके, दैट इज वाई यू शुड हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर मदर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. और ये इंटरनली हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि अरे नाउ आई एम फीलिंग गुड अबाउट हर. उससे पहले तो मुझे इसके ऊपर बहुत गुस्सा आता था, बिकॉज यू हैव सम एंगर ऑन योर मदर, सो यू आर रिफ्लेक्टिंग दैट एंगर ऑन योर वाइफ. वो भले ही कुछ भी करेगी, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं यार, एंड मे बी यू आर फॉलोइंग हर फादर स्टेप्स, सम वर्ड्स. एंड आई हैव सीन इन मेनी मेनी कॉन्स्टलेशंस कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल वैसे जैसे मेरे फादर थे, बिकॉज दैट इज हाउ यू क्रिएट बिलीफ सिस्टम्स कि हाउ मैन बिहेव, हाउ वुमेन बिहेव, बिकॉज यू हैव सीन योर पेरेंट्स, दे आर द फर्स्ट गॉड फॉर यू, क्योंकि भगवान तो किसी ने देखा नहीं ना. हाउ दे बिलीव इन गॉड इज बिकम योर स्पिरिचुअलिटी लेवल. सो दिस थेरेपी इज नॉट जस्ट टू एनहेंस योर डीएनए, जस्ट नॉट टू रिलीज, टू अंडरस्टैंड हाउ इज योर वर्ल्ड एंड हाउ इट फॉर्म, वाई इट फॉर्म लाइक दैट, एंड हाउ टू ब्रिंग इट बैक, हाउ टू ब्रिंग लव इन टू द फैमिली. सो फैमिली कॉन्स्टलेशन का पहला पर्पज यही होता है, हाउ टू फ्लो लव इन द फैमिली, सो दैट वी कैन सी इच अदर विद गुड आईज, वी फील सपोर्टेड, वी फील लव्ड बाई, एंड वी फील सिक्योर. यू विल लर्न लेवल ऑफ कंसियंस इन दिस प्रोग्राम, यू विल अंडरस्टैंड हाउ कंसियंस वर्क. आपने सुना बहुत होगा, लेकिन उसके बारे में डिटेल में आप जानोगे यहाँ पर. गेटिंग मी एवरीबडी? इस क्लास में हम अपनी काफी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेंगे। जो हाँ अभी आप बिल्कुल, बता रहे हो मेरे आप आंखों के सामने बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं कि हाँ ये भी है, यस ये भी है, यस रिलेट इवन कर पा रही। आप सेशन ना भी करो ना, तो भी आपको ये सेटिस्फेक्शन होता है कि ओ मैं तो सोच रही थी ये मेरे कारण है, बट मेरे तो पूरी फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम है, अब मुझे समझ में आया कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों है. राइट, यू कैन टेक अ राइट डिसीजन अबाउट योर सेल्फ. एवरी कॉन्स्टलेशन विल नॉट गिव यू द रिलीज एंड रिलीफ, बट इट विल गिव यू वन इनसाइट. ओके, एक बारी एक पर्सन को एक जिद थी कि मुझे ये बिजनेस करना है, और एक पर्सन को जिद थी कि मुझे बच्चा लेना ही है. ठीक है, गोथ इट्स कंप्लीट नो इन फैमिली कॉन्स्टेलेशन, यू कैन नॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड, बट हेलिंगर सेज इफ यू अडॉप्टेड अ चाइल्ड देन इट्स अ बिग मिस्टेक, बिकॉज आप अपने पड़ोसी के बच्चे को उठा के अपनी गोद में बिठा के ये नहीं बोल सकते कि ये आपका बच्चा है, बिकॉज इट इज ही इज नॉट और शी इज नॉट योर डीएनए. And it brings lot of problem, lot of lost feeling in your family, in coming generations. And I have seen these examples in front of me. Lots of sessions I have done with my team, where I have seen like she's so lost, and she's my friend actually, but she always lost. And I always doing session. I then finally when she told me that my father was adopted, then I said, okay, this is the issue. So you will understand lot of thing in family constellation. Yes, Tavisha ji. गुड इवनिंग मैम, कैसे Good evening. How are you? हैं? आ रहे Hello. आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अभी आ रही है. हाँ बोलिए. मैम, एक अभी आपने बोला कि वी कांट अडॉप्ट द चाइल्ड, हम फैमिली कॉन्सिलेशन में ये सोचते हैं, क्या सैरोगेसी के लिए भी यही सोचते हैं एफसी में?
देर आर ऑलवेज कॉन्सिक्वेंसेस. इवन जो बच्चे सिजेरियन पैदा होते हैं दे ऑल्सो हैव कॉन्फिडेंस इश्यूज बिकॉज अ चाइल्ड हु स्ट्रगल एंड देन केम आउट टू द वर्ल्ड इज अ डिफरेंट कॉन्फिडेंस. बट वो बच्चे को जिसको पेट काट के आपने निकाला, जिसने कोई स्ट्रगल ही नहीं किया, वो बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता. दैट इज आई सी जो नेचर में है ना. अगर आप माँ बाप नहीं बन पा रहे हो तो एक्सेप्ट कर लो ना दुनिया में. मतलब ये मेरा सोचना है, आई एम नॉट फोर्सिंग ऑन समबडी. लाइक आप फ्री अपनी लाइफ में कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं. द थिंग इज दैट व्हेन यू आर ब्रिंगिंग समबडी इन द वर्ल्ड एंड हाउ यू आर ब्रिंगिंग इज ऑलवेज बी अ काइंड ऑफ अ स्टेबल थिंग फॉर ऑल ऑफ हिज लाइफ. लाइक उसके कॉन्सिक्वेंसेज उसको भुगतने ही हैं. सैरोगेसी ये वो डजेंट वर्क. लाइक इतना कोई कनेक्शन नहीं होता है पेरेंट्स से. दिस चाइल्ड इज ऑलवेज बी डिस्कनेक्टेड बिकॉज वो मम्मी पापा जिसको बोल रहा है एक्चुअली उसे नहीं पता वो मम्मी पापा पे उसके है भी है कि नहीं है. बोलने से कुछ नहीं होता है. यू शुड हैव दैट बायोलॉजिकल कनेक्ट विथ योर चाइल्ड. जो डीएनए है वो जब वो अपना इलाज कभी करवाएगा तो क्या बोलेगा, कहाँ से आया उसका ये प्रॉब्लम, किसका था. बोन मैरो मैच नहीं होता, बहुत सारी चीजें नहीं होती. एंड ऑफ अच्छा कोर्स मैम, जिस लेडी के पेट में वो है उसके संस्कार भी तो वो लेके आएगा ना. तो हाँ एक चीज और आपने जैसे अभी बोली कि हस्बैंड जो होते हैं वो इन लॉज की अटैच होते हैं, मतलब शादी के बाद अटैच हो जाते हैं किसी ना किसी चीज में, तो क्या ऐसे वाइफ के साथ भी होते हैं वो इन लॉज के साथ? सॉरी मैं समझी नहीं. जैसे अभी आपने बोला, जैसे अभी किसी हाँ मेंबर ने अभी क्वेश्चन पूछा कि मैं हाँ अपने, मतलब आपने भी ये बोला था ना कि भाई हाँ इन लॉस से भी हम अटैच हो जाते हैं, हस्बैंड ऑफकोर्स अपने इन लॉ, तो जी. उसी के एक तो जो हम उसी को मतलब देखते हैं कि ही इज अ फादर और ही इज अ मदर, तो क्या ऐसे वाइफ के साथ भी होता है कि वो इन लॉस के साथ ऐसे अटैच होते हैं तो वो उसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है इन लॉस की तरह? नहीं, सी इन लॉज में तो ये एक सिस्टम है. फैमिली एक सिस्टम ही तो है. इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है. ठीक है, आप वाइफ बनोगे आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन आप पैटर्न अपनी मदर इन लॉ के लोगे क्योंकि आप उनकी जगह आए हो वहां पर. आर यू गेटिंग मी? अगर कोई अपने फादर इन लॉ के पैटर्न में चलता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. फादर इन लॉ के पैटर्न्स नहीं होते. फादर इन लॉ का इन्फ्लुएंस होगा उसके ऊपर, पैटर्न नहीं हो सकता बिकॉज ही इज अ मैन. ही विल बी डूइंग और मे बी यस मे बी यू कैन बी राइट. बिकॉज अगर जैसे एक लड़का है उसके फादर की डेथ हो गई तो क्या होता है, जनरली हम उसको उसके फादर की जगह देखते हैं. तो ही बिकम द हस्बैंड ऑफ द मदर. तब उसकी शादी होगी तो उसकी वाइफ को अपने बगल में हस्बैंड नहीं दिखेगा, वो उसको फादर इन लॉ देखेगी कि ये तो मेरा फादर इन लॉ टाइप्स है. तो उनका बॉन्ड नहीं बनेगा बिकॉज यहाँ पे कॉन्स्टेलेशन के हिसाब से उसको जो. और ये साइकोलॉजिकली होता है, अ चाइल्ड बिकम दी मालिक ऑफ दी हाउस. क्योंकि वो लड़का है ना, हमारे यहाँ तो ऐसे ही समझा जाता है कि भाई अब लड़का है फादर के बाद तो एक्चुअली ये हो सकता है. देन द फीमेल विल टेक द प्लेस ऑफ द मैन इन द हाउस. बट इट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर कमिंग जनरेशन. बिग प्रॉब्लम ऑफ कहते हैं ना आइडेंटिटी प्रॉब्लम. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन फैमिली कॉन्स्टेलेशन. आप जितना डिग करोगे ना मैं आपको उसमें बताते जाऊंगी, ये इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा. अभी मैं अभी अभी ज्वाइन हुई, लेकिन आपके 2 पॉइंट से ना मुझे भी कुछ एनलाइटमेंट हो गई कि मतलब ये चीजें भी हो सकती इट है। इज दी सब्जेक्ट कि अगर आप कॉन्सलेशन नहीं भी करना चाहते, आप थेरेपिस्ट नहीं बनना चाहते, फैसिलिटेशन नहीं करना चाहते, स्टिल अगर आप ये क्लास अटेंड करोगे ना तो आपको वैसे ही इंसाइट आ जाएगा कि व्हाई माय लाइफ इज लाइक दैट, व्हाई आई एम लाइक दिस. मैं ऐसे क्यों हंसती हूँ, मैं ऐसे क्यों बोलती हूँ, मैं लेट क्यों सोती हूँ, मैं जल्दी क्यों उठती हूँ. मतलब हर चीज का आंसर है इसमें. एवरी थिंग यू फॉलो थ्रू योर एंसेस्टर. बिल्कुल, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम. एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू आस्क? मैम सम क्लासेस इफ वी मिस वी गेट रिकॉर्डिंग्स? एवरी क्लास विल बी रिकॉर्डेड एंड यू विल बी प्रोवाइडेड रिकॉर्डिंग ऑफ ईच क्लास सो दैट आई थिंक इट इज फॉर 2 years or so. यस तविशा जी, शी हैज
हाँ जी मैम। लॉट ऑफ कोर्सेज फ्रॉम हियर। हाँ जी हाँ आप 2 साल के लिए आपको मिलती है ना रिकॉर्डिंग्स? हाँ, 2 साल के लिए मिलती हैं। यस, तो 2 साल के लिए आपको वो रिकॉर्डिंग आपके पास नहीं है, सो जितने भी टाइम आप देखना चाहते हो देख सकते हो। हाँ, रिकॉर्डिंग दिन की क्लास तो उसी दिन मिल जाती है। जैसे अब आपकी अगर ये 7:30 बजे भी होगी तो नेक्स्ट डे सुबह 10 से 11 बजे के बीच में वो अपलोड हो जाती है, अपलोड वो हो जाती है, करेक्ट? तो डेफिनेटली अपलोड होती है, उसकी तो कोई बात ही यस। नहीं है। सो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, लेट मी कॉल द सर। तो मैम एडॉप्शन कराना नहीं चाहिए क्या? मतलब आपकी म्यूट है मैम, आप मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी सॉरी, एक्चुअली एडॉप्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एडॉप्शन में क्या होता है, वो जो डीएनए है आपका उसका कनेक्शन नहीं होता उस बच्चे के साथ, तो वो बच्चा जो आगे जनरेशन लाएगा वो जनरेशन इस जनरेशन को कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी, और दे विल बी काइंड ऑफ लॉस्ट, क्योंकि वो इस घर के होंगे नहीं और उनको कनेक्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि फैमिली कॉन्स्टिलेशन इज टू गिव द राइट प्लेस टू द राइट पर्सन। अगर कोई बड़ा है तो बड़े को बड़े की जगह पे होना चाहिए, छोटे को छोटे की जगह पे होना चाहिए। अगर आप इस दुनिया में 10 साल पहले आए हो तो आपकी जगह 10 साल पहले ही बनेगी, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि अब क्योंकि ये डीएनए आगे बढ़ रहा है आपका, तो ये बेसिकली इट्स अ साइंस, आपकी फैमिली जो आगे बढ़ रही है, आपका डीएनए एक्सटेंड हो रहा है और उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं, राइट? ये बात अलग है कि आज की डेट में बीमारियां भी बढ़ रही है, वो तो होता ही है, जो चीज है वो आगे बढ़ेगी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखेंगे कि आपके एंसेस्टर ने हेल्थ का ध्यान दिया है कि नहीं दिया, वट एवर इट इज, जो भी है, तो जो उन्होंने किया है वो आपके पास आना ही है। तो हर चीज अगर आप आज की डेट में देखें तो बीमारियां बहुत ऊपर आ रही हैं, हर टाइम स्ट्रेस एंजाइटी की बातें होती हैं, बिकॉज इट इज नॉट स्टार्टेड टूडे नाउ, इट इज स्टार्टेड समवेयर बैक, बहुत पहले से ये शुरू हो चुका है और आज आपको दिख रहा है और आप इसको हैंडल नहीं कर पा रहे, अब इतना हो गया है। तो उसके लिए भी आपको हीलिंग एंसेस्टर से ही करानी है, लेकिन अगर कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है उसे तो पता ही नहीं कि मेरा कैसा क्या होना है, एंड आई हैव सीन दैट पीपल वो कभी खुश रहते ही नहीं है, चाहे आप उनको महलों में बिठा दो तो भी उनको लगेगा कि आई एम नॉट हैप्पी। क्यों हैप्पी नहीं हो मुझे नहीं पता। किसी भी बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया जाए, फादर से अलग कर दिया जाए, वो बच्चे को कितना भी अच्छा एटमोसफेयर दे दो, द चाइल्ड विल नॉट बी हैप्पी, कभी खुश रहेगा ही नहीं। इवन ये कहा जाता है जिस बच्चे को माँ से थोड़े टाइम भी अलग रखा जाता है उसका सेपरेशन उसके पार्टनर से हो ही जाता है, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए हो, बट यू हैव टू फेस दिस सेपरेशन फ्रॉम योर पार्टनर एज वेल। सो ये होना ही है, जितने भी स्किन के प्रॉब्लम्स लोगों को आती है बिकॉज यू वर सेपरेटेड फॉर सम टाइम फ्रॉम योर मदर, इसलिए आपको स्किन की प्रॉब्लम है। गॉट माई पॉइंट? मैम जैसे जैसे फैमिली में भी एडॉप्शन कर लेते हैं, जैसे जैसे किसी की ज्यादा गर्ल्स हो गई, गर्ल्स चाइल्ड हो गई, तो वो उन्होंने कहा चलो दिस इज आपकी नॉट बात एडॉप्शन ना राहुल जी, दिस इज काइंड ऑफ यू आर रिजेक्टिंग योर गर्ल्स, तो उसकी नहीं। अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस आपके घर में आएंगे ही। अच्छा अच्छा नहीं, उनके जैसे बिल्कुल उन्होंने उन्होंने उनके घर पे जैसे लेके आ गए और वो अपने घर पे लेके आ गए, तो उससे हमारे घर में भी कॉन्सिक्वेंस आएंगे या उनके घर में तो आएंगे आएंगे? एज पर बर्ट हेलिंगर थिंग, आपका जो बच्चा है वो आप ही उसके माँ बाप हो सकते हो, कोई और नहीं हो सकता, दैट्स वेरी क्लियर। आपको अगर किसी को सपोर्ट करना है तो आप उसको पैसा दीजिए, अनाथालय में डलवा दीजिए, अगर कोई नहीं पाल पा रहा है या किसी के पेरेंट्स नहीं है तो आप वहां पे उसको सपोर्ट करिए, पैसे से कर दीजिए, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा बेटा हो गया या मेरी बेटी हो गई, दिस इज वॉट ही सेज। उन्होंने एक, मैं पढ़ रही थी एक बुक में, उन्होंने बोला कि एक बंदे ने बोला कि मेरी पहली शादी हुई वो चली नहीं और मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ, दूसरी शादी भी वो भी नहीं चली और तीसरी शादी भी नहीं चली, तो आई डोंट हैव किड्स, सो आई अडॉप्टेड वन किड 3 मंथ्स बैक,
तो उन्होंने सीधे बोला नलिफाई दिस कॉन्ट्रैक्ट नाउ बिकॉज कंट्री, अभी तो इंडिया में भी बहुत तगड़े से वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि आप इस बच्चे को ले रहे हो, ऐसे रखोगे, ये करोगे. तो उसने कहा जस्ट नलिफाई दिस कॉन्ट्रैक्ट टुडे, दिस चाइल्ड इज नॉट योर चाइल्ड, यू कैन नॉट से दैट इट इज योर चाइल्ड. ये सामाजिक तौर पे सपोर्ट करने की बात है, उनको मतलब एक तरह से सिक्योरिटी देने की बात है, तो आप वो वैसे भी कर सकते हो, बट यू कैन से दैट दिस इज माई गर्ल, मतलब मेरी बेटी या मेरा बेटा है, वो नहीं बोल सकते हैं. ये एक्चुअली उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उन्होंने बताए कि क्या होता है. सो ये उनकी थ्योरी है. ओके. ओके मैम, हाँ, और कार्तिक जी आप यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए अपनी एनर्जी से. हाउ डू आई डिस्कनेक्ट? से आई डिस्कनेक्ट माई एनर्जी फ्रॉम ऑल द पपिट्स, आई टेक बैक माई एनर्जी आई डिस्कनेक्ट माय सेल्फ फ्रॉम ऑल दी माय पपिट्स. एनर्जी फ्रॉम ऑल दी पपेट्स एंड आई डिस्कनेक्ट माय सेल्फ. एक्चुअली दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स, दीज ऑल आर योर एलिमेंट्स, योर पेरेंट्स आर योर एलिमेंट, योर सिस्टर इज योर एलिमेंट, सो यू आर डिस्कनेक्टिंग द एनर्जी फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स एंड यू आर जस्ट टेकिंग योर ओन एनर्जी, दैट्स इट. सो डिस्कनेक्ट. एंड दिस वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट. जैसे आप बोल रहे एडॉप्शन का, आई हैव सीन इन अ फ्यू केसेस, जैसे कई लोगों ने अडॉप्ट किया होता है किड्स, सो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे किड्स स्टार्ट लुकिंग लाइक देयर अडॉप्टेड पेरेंट्स ओनली, शक्ल भी मिलने लग जाती है, इवन द बिहेवियर स्टार्ट्स. तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट? यस, देर इज अ स्टोरी इन फैमिली कॉन्स्टेलेशन ओनली, मतलब बहुत सारी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, कि एक फैमिली में ल्यूपस नाम की बीमारी अगर आपको पता हो तो उसको उनको होती थी. तो ये एक साइंस की बात है कि हाउ एटमोसफियर वर्क्स ऑन यू, ये थ्योरी भी मैं आपको पढ़ाऊंगी. तो जब ट्विंस पैदा हुए तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए दोनों को अलग कर दिया, एक को उसी फैमिली में रखा और एक को किसी दूसरी फैमिली में रखा. तो जो फैमिली में था उसको ल्यूपस हुआ और जो दूसरी जगह पला बड़ा उसको नहीं हुआ, यू नो. तो दैट मीन्स द एटमोसफियर ऑफ द हाउस, पीपल, द वे दे रिएक्ट टू द चाइल्ड, इट वर्क्स ऑन देयर साइके. या सो वो तो होता ही है, बट इट डजंट मीन दैट इट कैन ऑल्टर देयर डीएनए टू दैट एक्सटेंट कि वो उनका ही बच्चा हो जाए, वो तो नहीं हो सकता ना. दिस इज नॉट द नेचर. तो ऐसे तो हम भी अगर 4 दिन कहीं रह जाते हैं तो वहां से भी हम कुछ हैबिट्स ले आते हैं. तो इट हैपेंस बिकॉज यू आर ईटिंग द सेम फूड. एंड अभी मैंने आपको बताया 5th लेवल में आपका गिव एंड टेक उन लोगों से भी होता है जिन्होंने आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट किया हो, तो वो भी आपके कॉन्स्टेलेशन में आ सकते हैं. या आपका बाहर से आपकी फैमिली मेंबर का किसी ने मर्डर कर दिया हो तो उससे भी आपका गिव एंड टेक हो जाता है. या आपके फैमिली मेंबर ने ऐसा कुछ किया हो, इवन द केस ऑफ अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, और जो आपके सर्वेंट्स हुआ करते थे पहले, बिकॉज वो भी फैमिली मेंबर्स हुआ करते, बट दे आर नॉट योर डीएनए. सो देर आर मेनी मेनी थिंग्स इन फैमिली कॉन्स्टेलेशन, बट द थिंग इज दैट वॉट वी हैव टू थिंक इज हाउ इट वर्क्स ऑन द पर्सन एंड इन द फैमिली. सो वो चीज, मैम यस, क्वेश्चन पूछना था मैम, जैसे बच्चे दूर हो जाते हैं तो जैसे आपने बताया कि स्किन डिजीज होती है या कुछ भी होता है, ऐसे पेरेंट्स को भी कुछ प्रॉब्लम होती है बच्चों की, बच्चे जैसे हॉस्टल में चले जाते हैं या कहीं पे चले जाते हैं? नहीं, इस हॉस्टल में तो बच्चा तभी जाता है ना जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, करेक्ट. मैम बचपन में भी चले जाते हैं 4th 5th क्लास में? हाँ, सो इट क्रिएट्स सी, अगर आप देखो जो बच्चे आजकल सीसीटीवी के अंडर और मेड के साथ जो पल रहे हैं, वो बच्चे दे बिकम वेरी प्रैक्टिकल, दे हैव नो इमोशनल कनेक्ट विद देयर पेरेंट्स, दे हैव नो इमोशनल कनेक्ट विद देयर पार्टनर्स, सो दे हैव डिफरेंट इश्यूज. सो ये तो होता ही, आप जैसा बच्चे को पालोगे वो वैसा ही बनेंगे. अगर आप उनको अपने साथ रखते हो और बताते हो कि वी आर द फैमिली एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू, दो यू आर सपोर्टिंग इन अ वे टू कीप देम देयर, बट एटमोसफियर विल बी डिफरेंट फॉर दिस चाइल्ड, देर विल बी नो कनेक्शन इन मैम तो लिविंग इन एंड यू विल फील पेरेंट्स में लाइक. भी ऐसे, मैम मैं पूछ रही हूँ पेरेंट्स में भी कुछ इश्यू आएगा ऐसे? नहीं, दिस इज द देयर डिसीजन, मे बी कि उनकी उसमें ये पहली बार ना हुआ हो, पहले भी तो बच्चे जाते थे ना कमाने के लिए दूसरे देशों में, जी मैम, नदिया पार, समुद्र के पार, यू नो, पहले भी जाते थे. मे बी दिस इज हाउ देयर लाइफ इज गोइंग ऑन, पहले भी गए होंगे बच्चे.
आई गेटिंग मी? जब जी हाँ पहले आश्रमों में बच्चे पढ़ने जाया करते थे, जहां मंत्र वगैरह आप सीखते थे, दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग दैट बैलेंस ऑफ इमोशन इनसाइड देयर बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी. सो व्हेन दे आर बैक विद डिफरेंट एनर्जी टू कनेक्ट मोर विद द पेरेंट्स. बट अभी क्या हो रहा है, आप दूर भेज रहे हो, लेकिन वो स्पिरिचुअल लेवल अपलिफ्ट नहीं हो रहा, तो डिस्कनेक्शन तो आएगा ही. सी, सब तरह से देखो आप, सब तरह से आप कनेक्ट करो. पहले भगवान राम ये जितने भी थे जो बाहर जाते थे, सब वहां से स्पिरिचुअल लेवल अपना अपलिफ्ट कर, पहले भी बच्चे जाते थे, बट देर इज अ डिफरेंस ऑलवेज. अगर स्पिरिचुअल लेवल हाई है आपका, आपके बच्चे का, देर विल बी नो डिस्कनेक्ट. लेकिन जहां पेरेंट्स की बात करें, हो मे बी दे आर सेंडिंग सबकॉन्शियसली बिकॉज इट इज ऑलरेडी हैपेंड समवेयर इन देयर लीनेज, ओके मैम यू नो. That is why. हमको तो लगता है हम बच्चों को इसलिए भेज रहे हैं बिकॉज दे विल हैव अ बेटर फ्यूचर एंड ऑल दैट एंड ऑल दैट, बट एक्चुअली यू आर फॉलोइंग सम पैटर्न ऑफ योर लाइफ, मतलब योर एंसेस्टर्स इन योर लाइफ. ओके मैम या जी मैम तो यू मीन दैट एक्जिमा या कोई ऐसे स्किन डिसऑर्डर जो हो जाता है बच्चों को, सो इट कैन बी ड्यू टू सेपरेशन इश्यूज व्हिच दे माइट हैव फेल्ट विद देयर पेरेंट्स. कभी बच्चे को ऐसे फील ना हो फिर कैसे होगा? इट माइट बी थ्रू द एंसेस्टर आल्सो. सी, अगर बहुत बड़ा कोई इशू है तो डेफिनेटली इट इज समवेयर कनेक्टिंग टू द एंसेस्टर. एंड ऐसा देखा गया है कि जो हमारे फाइटर पायलट्स होते हैं या जो बॉम्ब गिरा के आ जाते हैं और उनके ऊपर किसी को मारने का बिल नहीं फटता है, ऐसा नहीं होता एक्चुअली. एक्चुअली वॉर्स तो होने ही नहीं चाहिए. कोई किसी को क्यों मारने लगे, क्यों किसी को परेशान. ऐसे लोगों की जनरेशन में स्किन प्रॉब्लम्स बहुत देखी गई हैं, बिकॉज एनी वे यू आर किलिंग एंड समवेयर ऑन योर सोल लेवल यू आर टेकिंग दैट गिल्ट दैट आई हैव किल्ड समवन, तो बिकॉज उसके उसमें बच्चे भी चलते मर जाते हैं. तो देशभक्ति के नाम पे जो बातें होती हैं ना कि भाई अरे देश के लिए लड़े हम, बट डजेंट मैटर, यू किल्ड द ह्यूमंस, चाहे वो सोल्जर ही क्यों ना था. आर यू गेटिंग मी? सो इन लोगों की फैमिलीज में भी ये इश्यूज देखे गए हैं कि स्किन इश्यूज बहुत होते हैं बिकॉज पीपल आर कर्सिंग यू. तो स्किन का एक जो इश्यू एग्जांपल होता शेयर है वो करूं, सबसे बड़ा इश्यू होता है. मैं एक एग्जांपल शेयर करूं ज्याला जी, अगर आपकी इजाजत हो तो. अगर सॉरी सर. आपकी इजाजत हो तो मैं एक एग्जांपल शेयर करूं. थैंक यस यस सर, बिल्कुल. यू. सो नाइस सर. नमस्कार फर्स्ट ऑफ ऑल सबको. थैंक गुड इवनिंग यू फॉर सर. ज्वाइनिंग नमस्कार. अनुदा जी. गुड इवनिंग एंड गुड टू सी यू आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एंड मेनी ऑफ द पार्टिसिपेंट, गुड टू सी यू. अगर जो मुझे पता नहीं बैकग्राउंड में क्या हो, ज्याला जी ने बताया, मैं तो सिर्फ अभी 2 मिनट पहले ज्वाइन किया हूँ, बट जस्ट रिलेटिंग विद दी कन्वर्सेशन डेट उजाला जी एंड यू ऑल हैव, जस्ट एडिंग दी वन ऑफ द एग्जाम्पल. कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कई जगह पे कई जो घर के अंदर एम्प्लॉयज रखते हैं, सर्वेंट्स रखते हैं, जनरली लेडीज होती हैं, अब वो लंबे समय तक घर में कनेक्ट कर जाती हैं और वो एक पार्ट ऑफ फैमिली मेम्बर बन जाती हैं, राइट? और उनको फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया जाता है, फैमिली मेम्बर की तरह रहती हैं वो. समहाउ समटाइम अगर किसी वजह से उनसे कोई गलती हो जाती है, और लेट्स से उन्होंने कोई किसी तरह से उनको लालच आ गया, उन्होंने कुछ चुरा लिया, लेट्स अज्यूम डेट वे. और एक एग्जांपल है, ये केस स्टडी थी इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ, ये लाइव केस स्टडी थी जिसके ऊपर काम किया गया था, और उन्होंने कुछ चुरा लिया, बाद में वो पकड़ा अभी यस सीसीटीवी की मदद से किसी तरीके से, और उसने फिर सॉरी बोला आप. लेकिन क्या होता है ना, जो रिच फैमिलीज होती हैं जिनके पास काफी भगवान ने संपूर्ण धन दिया होता है, तो वो लोगों को इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि व्हाट इज अ बैकग्राउंड, कि उसको चोरी क्यों करना पड़ा इतने समय के बाद, और ये अगर वो रियलाइज कर रही है तो उसको माफ कर दें. सो इन सच ए केस, एक केस ऐसा था, इस फैमिली इज वेरी रिच, ऐसा 15 साल पहले हुआ, बच्चे का शादी जब हुआ तो उसने लेडी ने कुछ गहने वगैरह चोरी किए, बाद में पकड़ी गई तो उसे रियलाइज किया एंड शी आस्क फॉर दी फॉरगिवनेस, बट इट वाज नॉट हैपन एंड वो नहीं किया गया. सो द कॉरस्पोंडिंग इम्पैक्ट इज दैट उसके आगे के वंश के अंदर तकलीफें बढ़नी शुरू हो गई, और वो कर्स था बेसिकली उस लेडी का, कि लड़ी ने लेडी को निकाल दिया, लेडी का क्योंकि गरीब लोग थे तो उसको नौकरी में भी दिक्कत हुआ, पैसा अंतरा रिच फैमिली दे रही थी बाकी नहीं दे पाए, एक कर्स बना. उसने अपनी गलती मानी, रियलाइज किया, वो एक पेंडिंग रह गया. इन ए वे डेट्स ए कर्स विच अंदर ही अंदर उस लेडी के ना अंदर पनपता रहा,
एंड दैट एक्चुअली इफेक्ट दिस रिच फैमिली, उसकी पूरी वंशज के अंदर हुआ, उसकी आगे की शादियां नहीं हुई और बीमारियां पनपने लगी. विद एज लाइक फैमिली कॉन्स्टेशन, उजाला जी सेइंग, वो फैमिली कॉन्स्टेशन का डायरेक्टली नहीं क्या कहा जा सकता जो टेक्निक से यूज किया गया, बट हाँ इट्स ए पार्ट ऑफ फैमिली कॉन्स्टेशन जहाँ पे वो कर्ज को निकालने के लिए आइडेंटिफाई किया गया और उसको बाद में उस रिच फैमिली को बोला गया आप जाओ उससे दोस्ती करो एंड यू हैव अ फूड देयर और यू हैव अ सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग देयर सो दैट वो उसको कर्ज को रिलीव करे, अंदर से क्लीन हो, ताकि ये सिस्टम को आगे बढ़ाया जा सके. अदरवाइज शी विल कैरी फॉरवर्ड. और वो अगर ऐसी गुजर जाती मान लो तो इट विल कैरी फॉरवर्ड एज ए पार्ट ऑफ कर्मास. फिर वो कर्मास में आता, फिर वो पीएलआर के अंदर आ जाता. अभी फैमिली कॉन्स्टेलेशन में आ रहा, फिर वो पीएलआर में आ जाता. राइट यहाँ सो ये चीज सर ने बिल्कुल सही बताई कि पीएलआर भी आप कर सकते हो, फैमिली कॉन्स्टेलेशन में आप इनर चाइल्ड कर सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्स्टेलेशन कर सकते हो, और आप डिजीजेस के ऊपर कॉन्स्टेलेशन कर सकते हो, ट्रॉमास के ऊपर कर सकते हो, और हर इस टॉपिक का एक अलग अलग पूरा कोर्स है। थैंक यू सर फॉर मेंशनिंग दिस, मुझे अभी याद आया कि मैं वो भी मेंशन कर सकती हूँ। एवरीथिंग इज आर इंटरलेटेड. वेन एवर एनी हीलिंग इज हैपनिंग, उसका बैकग्राउंड आपस में कनेक्ट करता है. हमारा हम कनेक्ट कितना कर रहे हैं ये एक डिफरेंट बात है. और ये सब चीज़ें चाहे आप एस्ट्रोलॉजी करो चाहे आप हीलिंग्स करो, कनेक्टिविटी आएगी. ये एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आइडेंटिफाई हुआ था, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी में भी एक लेवल होता है जो इंट्यूशन जिसको बोल सकते हैं, उस लेवल से आइडेंटिफाई किया गया था ये. लेकिन पॉइंट यही आ जाता है वापस घूम फिर के, कि अगर हम किसी को, तभी बोलते हैं ना किसी को जिसका जिसका लेना देना उसको वापस कर दो. आपने किसी संत महात्मा के वाक्य सुने हो तो वो वापस लास्ट में यही बोलते हैं कि जो मेरा बकाया, जो जिसका बकाया मेरे से वो ले लो, और मेरा बकाया जिस पे है वो माफ कर दो. वो माफ किया, उसका कोई नहीं है, सब कैंसिलेशन. सो दे ट्राई टू डू कैंसिल फॉर एवरीथिंग गुड और बैड, वॉट एवर. कैंसिलेशन इज द बेस्ट वे टू टेक्निक. सो जो भी जिसका है लेना देना कैंसिल कर दो, उसको माफ कर दो, उसको बोलो ठीक है तो आपको माफ किया, आपको रखना है रखे, नहीं रखना है रखे, बट कैरी फॉरवर्ड मत करो, माफ कर दो, लोगों को आगे बढ़ो. फॉरगिवनेस एंड कीप अवे, कीप मूविंग, दैट्स द थिंग. सो आई थिंक उजाला जी ने जो मैंशन किया इट्स अ वंडरफुल थिंग. एंड ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है फैमिली कॉन्स्टेलेशन का, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट अंडरस्टैंडिंग मिलती है जो आमतौर पे अदर हीलिंग मेथोडोलॉजी में नहीं मिलती है, क्योंकि उसका अपना पैटर्न हीलिंग पे डायरेक्ट होता है. ये हीलिंग का बैकग्राउंड, आई वुड से रादर इट्स अ फाउंडेशन फॉर द हीलिंग, कि आपने हीलिंग करनी क्यों है, हीलिंग का पर्पस क्या है, और हीलिंग क्यों क्यों किस किस रीजन से कनेक्टिविटीज क्रिएट हो जाती हैं, कैसे कैसे फैमिलीज बन जाती हैं, जबकि आपकी डायरेक्ट फैमिली नहीं है, इट्स एन इनडायरेक्ट सर्वेंट, इज एन इनडायरेक्ट एक्टिविटी बट फैमिली बन गई. इसी प्रकार कई बार किसी यार दोस्त के साथ भी होता है, किसी के साथ भी होता है, डेट भी जो भी हमारे कनेक्ट में आता है समवे वो फैमिली बॉन्ड बनता है, और वो फैमिली कॉन्स्टेलेशन उसको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड एंड मेक इट इजी. आई मीन दिस इज ए वंडरफुल सब्जेक्ट विच आई कैन से दिस. सो ओवर टू यू जाना जी, थैंक यू So फॉर actually, if you गिविंग टाइम टू see, मी. it is something when you want to scratch and remove it, you know, कुछ आप हटाना चाहते हो, you know. So this is how you feel कि कोई चीज़ है जो आप scratch कर रहे हो, you know. So when the child is with the mother, he is already like protected, he feels good. But apart from parents, कोई और बच्चे को touch करता है, तो बच्चे को वो अच्छा feeling नहीं आता. आई एम नॉट सेइंग अबाउट द अब्यूजिव दिस थिंग, बट स्टिल जब बच्चे छोटे होते हैं और जब तक कि वो 12 साल के नहीं हो जाते स्पेशली, तब तक बच्चों को अलग नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट इन टू देयर ओन पावर. 21 ईयर्स का बच्चा इज टोटली डिस्कनेक्टेड, मतलब एनर्जेटिक लेवल पे वो नरिश नहीं हो रहा है अभी. सो तब बच्चा बाहर जा सकता है, देन इट इज फाइन, क्योंकि वो एडल्ट हो चुका होता है. बट उससे पहले जब बहुत छोटा होता है तब तो बिल्कुल अलग नहीं करना चाहिए, और जब तक बच्चा ना चाहे कि वो बाहर जाना चाहता है तो ही उसको भेजना. पर स्टिल एनर्जी लेवल पे आपकी फैमिली में वो एक स्किन प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बिकॉज व्हेन चाइल्ड इज मदर्स वूम, हिज स्किन इज सेफ, ही इज सेफ इनसाइड द मदर्स वूम. तो सेम वे जब वो दुनिया में आता है तो वो ही द चाइल्ड सेफ फील सेफ विद मदर ओनली और फादर ओनली, दैट्स इट. तो वो अलग तो करना ही नहीं चाहिए. तो
तभी तो पहले सुनार का बेटा सुनार, लोहार का बेटा लोहार ही बनता था. बट नाउ वी हैव अनदर वेज टू चूज डिफरेंट थिंग्स थ्रू आवर एंसेस्टर ओनली. बट हम उस चीज को बदल सकते हैं, बट बहुत पॉजिटिवली उस चीज को बदल सकते हैं अगर आपको कुछ और चूज करना है. जनरली इफ यू सी, जो लोग जॉब करते हैं उनको बिजनेस करने में तकलीफ हो जाती है, और जो लोग बिजनेस करते हैं उनको जॉब करने में तकलीफ हो जाती है. दे आर नॉट वेरी सक्सेसफुल बिकॉज वो पैटर्न्स नहीं थे फैमिली में. यू हैव टू क्रिएट दैट पैटर्न एंड यू कैन क्रिएट पॉजिटिवली विथ फैमिली कॉन्स्टलेशन. तो सर आप बता दीजिए फी स्ट्रक्चर एंड वो जो भी है डेट्स एंड टाइम. मैम, आफ्टर टेकिंग दिस सेशन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरी इनर वॉइस बिल्कुल ठीक थी एंड आई एम इन अ राइट प्लेस, बिकॉज जो प्रॉब्लम्स मैं जो मेजर प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ एंड जो भी अभी थोड़ा बहुत मैंने सीखा है चीज़ें, और आई कैन रियलाइज कि वो मेरा फैमिली इशू है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि नाउ दिस इज द टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू ओवरकम फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स. या डेफिनेटली डेफिनेटली यू विल लव इट. मतलब वो एक बार आप फैमिली कॉन्स्टेलेशन सीख लेते हैं ना, तो यू नो दैट कि मेरा सोल्यूशन इसी से होने वाला है. बिकॉज मेरा बेटे का भी राइट टाइम है मैम, और मैं उसके साथ बहुत सारे इश्यूज और मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ आपकी बातों से कि कैसे ये हमारे एंसेस्टर्स से आ रहा है, बिकॉज आई एम फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ग्रेट, सी यू इन द क्लास नाउ. यस राइट, सो आई एम पुटिंग द स्क्रीन, इज दिस विजिबल? जी. कोर्स कंटेंट, कैन यू रीड द कोर्स कंटेंट एंड एक्सप्लेन उजाला जी? यस, सो ये थ्री बेसिक डायनेमिक्स सिस्टमिक नॉट्स होती है जो आप कोर्सेस कोर्स में पढ़ेंगे. तो अभी मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि देर आर टाइप्स ऑफ इमोशन, वो आप समझेंगे कि कैसे आप इमोशंस को डील करेंगे और कौन से इमोशंस आपके सामने आ सकते हैं और कैसे उनको रिजॉल्व करना है. तो इसका पूरा एक टेक्निक है जो आप समझेंगे. और अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इंटरप्टेड आउटरीच मूवमेंट, कि हाउ टू कनेक्ट विद योर मदर एंड फादर, दिस इज कॉल्ड अनइंटरप्टेड आउटरीच मूवमेंट एक्चुअली. सो ये एक फैमिली कॉन्स्टलेशन में भी एक और नई टेक्निक है जो आप इसमें सीखेंगे, टू कनेक्ट विद योर मदर एंड फादर और हु बिलोंग्स टू फैमिली सिस्टम. तो किसको कौन, जब हम कॉन्स्टलेशन करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसको फैमिली में लेना है और किसको नहीं लेना है. करेक्ट. तो ये चीज आप उसमें समझेंगे जिसमें मैंने अभी आपको फाइव लेबल्स समझाए थे. तो ऐसे ही बहुत सारी दूसरी चीजें भी निकल के आने वाली हैं जो मैं आपको उसमें समझाऊंगी. और इसका बेसिक क्या है, इसका मतलब जो ये मॉडलिटी बनी है वो आपको फ्रॉम ए टू जेड आप पूरा इसमें सीखेंगे. तो इट्स अ होल डिटेल अबाउट द कोर्स एंड वी आर गोइंग टू कंडक्ट फॉर 2 मंथ्स. राइट सर, इट्स 2 मंथ्स कोर्स. हेलो, Yes, it is 16 to 18 classes. I 16 टू mean, 18 क्लासेस. यस, classes. इट डिपेंड्स. कई So, बार क्या होता है, प्रैक्टिस के लिए भी हम लोग मिल लेते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस में. इवन कोर्स इज ओवर स्टिल वी डू इट बिकॉज यू रियली नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन दिस वर्क. विदाउट प्रैक्टिस आपको इसमें वो बात नहीं आएगी. और कोशिश कीजिए कि आपकी जो भी अभी टीम बनेगी, आप सब जब साथ में होंगे तो आप एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करें. दो इट विल टेक लिटिल टाइम टू अंडरस्टैंड, बट आपको ये, आपके इंट्यूशन अच्छे होंगे इसमें. और आप जब चैनलिंग शुरू कर देंगे तब आप आराम से अपने सारे कॉन्स्टलेशंस कर सकते हैं. यस दिस सर, कोर्स एक्चुअली नीड लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग, क्योंकि यस इसमें ना गाइडेंस कोई ऐसा थियोरिटिकल वर्क नहीं है, इसमें गाइडेंस एक्सपीरियंस से है. एक्चुअली इट्स अ इवन जो कोर्स. थ्योरी भी है ना वो आप कनेक्ट कर पाएंगे जब आप कॉन्स्टलेशंस करेंगे, तब आपको लगेगा अरे इसमें क्या करना है. तो जब तक इसमें आप चैनलिंग कॉन्स्टलेशन है. करेंगे नहीं तब तक आपको वो समझ नहीं आएगा कि इस केस को मुझे कैसे हैंडल करना. बिकॉज एवरी फैमिली इज डिफरेंट, देयर इश्यूज आर डिफरेंट. मे बी कि यू हैव द सेम इश्यू बट इस फैमिली में वो इश्यू क्यों है, वो चीज अलग ही होगी. जी सर, इसका मतलब इसके अंदर चैनलिंग है, हमको चैनलिंग करना पड़ेगा. यस, यू आर राइट. पड़ेगा नहीं सर, पड़ेगा यूज मत कीजिए. इट्स जस्ट दैट कि यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट.
सो इन्वॉल्व मीन्स चैनलिंग का मतलब है यू हैव टू अट्रैक्ट समवन टू नो द नो 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 आंसर्स. नो, इट अट्रैक्शन इज थ्रू योर इंट्यूशंस. जैसे अभी इन्होंने कैसे देखा था, कार्तिक जी ने, कि मैं जब पापा मम्मी के बैक में हूँ तो आई एम फीलिंग गुड, बट जब ऑपोजिट हूँ तो आई वॉन्ट टू से समथिंग. तो वॉट आई सेड इज कि मे बी यू हैव कंप्लेन्स टू योर पेरेंट्स. तो ऐसी कुछ चीजें होंगी इसमें. वो चैनलिंग आप जो सोच रहे वैसा नहीं है. ओके दिस होल थिंग इज वेरी डिफरेंट. ओके या ये वो चैनलिंग नहीं है जैसे होती है कि भाई अलग अलग तरीके की, वो है नहीं. ये दिस इज स्पेशलाइज एक्टिविटी फॉर फैमिली कॉन्स्टेलेशन ओनली. सो इट इज थ्रू इंट्यूशन. इंट्यूशन, सी यू आर गोइंग टू यूज योर इंट्यूशन एंड यू विल फील, बिकॉज सी एनी वे योर डीएनए. एंड आपको मैं ये भी बताऊंगी क्लास में कि वाई यू आर एबल टू डू दैट, आप ऐसा कर ही क्यों पा रहे हैं. ओके ये सब आपको, और ये धीरे धीरे आपका चैनलिंग वर्क जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा. नॉट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे यू आर गोइंग टू चैनल एवरीथिंग. धीरे 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 वो एक अंडरस्टैंडिंग आपको इस कॉन्स्टेलेशन वर्क के साथ आएगी. ओके जी थैंक थैंक यू. यू. तो मैम 2 months इज फॉर लेवल वन, एम आई राइट यस मैम? यस लेवल वन इज दी फाउंडेशन. अगर आप ये बना लेते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ों को क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी एंड आप एक समय के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं. लेकिन इसमें फैमिली कॉन्स्टेलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ठीक है थ्योरीज होती हैं, थ्योरी उजाला जी ने बोली और चीज़ें, लेकिन इसके अंदर जिसने किया है उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है. क्योंकि इसके अंदर ना गाइडेंस जो है एक्सपीरियंस के रूप में आती है. अब वो जो एक्सपीरियंस है उसके लिए हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और हैंड होल्डिंग दोनों चाहिए. जिसका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है वो, और जो हैंड्स ऑन करे प्रैक्टिस उसको पकड़ के चले, वो दोनों चाहिए. उसके बिना फैमिली कॉन्स्टेलेशन थियोरिटिकली कर पाने में कुछ गेन नहीं है. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा विभिन्न है अदर हीलिंग से. अदर हीलिंग के अंदर मोडालिटी के अंदर आप अपनी अपनी थ्योरी को पढ़ के मेडिटेशन को करके करना शुरू कर लेते हैं काफ़ी हद तक, बट इसमें वो सब्जेक्ट को उसमें ऐसे नहीं हो पाता इसमें, क्योंकि इसमें गाइडेंस चाहिए होती है टाइम टू टाइम अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो तो थोड़ा सर डिफरेंट है दिस ये. कोर्स वी आर गोइंग टू हील द ब्लॉकेजेस, मतलब सारे ग्रुप के मेंबर्स का आपस में हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके चलेंगे, देन वी आर एबल टू प्रैक्टिस. बिकॉज हर यस एक के इश्यूज अलग होंगे, हर एक की यस प्रॉब्लम्स अलग होंगी. राइट एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न. यस. राइट. ये कोर्स होपफुली 2 जून जुलाई से शुरू होएगा. आई मीन दिस इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक. अब 2 महीने का अप्रोक्सीमेटली, विच मीन्स 18 क्लासेस के करीब जून की क्लासेस होंगी. हाँ एंड दीज आर द स्टैंडर्ड टर्म्स लाइक रिकॉर्डिंग्स, डाउट क्लियरिंग, प्रैक्टिकल सेशन, एकेडमी मेंबरशिप, रिपीट फ्री, स्टडी नोट, कंप्लीशन शेड्यूल, ये सब स्टैंडर्ड टर्म्स हैं. शेखर जी, शेखर जी, शेखर जी, मेरे पास एडमिन राइट नहीं है. उजाला जी आप म्यूट करें. मैं म्यूट कर रही हूँ सर. तो दिस इज द कोर्स स्ट्रक्चर फीस एंड दिस कोर्स इज एक्चुअली अ वेरी वेरी मच हायर एंड कोर्स आई वुड से. सो एकेडमी ऑलवेज ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल. सो इसकी MRP 11,000 है. फॉर न्यू पार्टिसिपेंट इज 8,800, फॉर एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट इज 7,700 रुपीज. दीज आर द डिटेल्स. बट फैमिली कॉन्स्टेलेशन इज वन थिंग विच इज नॉट हैपनिंग इन इंडिया और दोस फ्यू ऑफ देम आर डूइंग, दे आर वेरी फैंसी स्ट्रक्चर्स. वन सेकेंड थिंग, इंडिया में कोई कर भी रहा तो उसको एक्सपीरियंस नहीं आता मिल पाएगा जल्दी से, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस करके खुद को पढ़ाने में समय लगता है. अब फैमिली कॉन्स्टेलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, पहले बात तो सबको नाम ही पता हो ये बहुत बड़ी बात है आज की तारीख में. दूसरा, फैमिली कॉन्स्टेलेशन करने के बाद आप फैमिली कॉन्स्टेलेशन प्रैक्टिस जब करते हैं, जैसे क्लास में तो आप जितने भी लोग 50-60 लोग वो आपस में कर लेंगे, लेकिन मार्केट में स्टडी करके प्रैक्टिस करने में समय लगता है, तो इसलिए हैंड्स ऑन प्रैक्टिस वाले लोग नहीं मिलते जल्दी जल्दी से. ये बहुत बड़ी विडंबना है इसमें. अभी समय के साथ चीज़ें फुलफिल होंगी, क्योंकि इंडिया में भी अभी वन ऑफ दी परफेक्ट टीचर दैट डूइंग इट इज उजाला जी. राइट. सो दिस इज हाउ इट दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट. या दिस आर द बेसिक डिटेल्स एंड दैट्स इट. या यस सर, आई थिंक निर्मला जी कुछ कहना चाहती हैं.
निर्मला जी बोले। You said one time repetition free, that means like once more we can attend the course like that, sir. ये एकेडमी रूल है मैडम, हाँ दैट्स एकेडमी रूल है। या Once so you have done the course, then you are free to join again. If I am doing it again, then you can come. Achha. That's academy rule. Okay, sir. Right. Yes, I think Nimla ji, you are joining first time on the academy platform. So the question arises. And I would say Sorry. That to everybody, if you like this course, please tell others also to join this, because this is something which can heal your problem to the core. लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है इस कोर्स के बारे में, इससे आप कितना बेनिफिट आपको मिल सकता है, दैट इज ऑल्सो लाइक अ डिफरेंट लेवल थिंग। आप जब पढ़ेंगे थ्योरी तो आपको समझ में आएगा कि हाउ यू नो दिस मोडालिटी वर्क्स, और दोबारा आपको उस चीज पे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द कोर्स, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम टेबल, विद रिस्पेक्ट टू द subject, academy, anything, any questions, you are free to ask. Ashok ji, you are thinking deep. Ji. I'm just thinking whether I should do or not. That's simple, because the amount is 7,700. So what is that question arises in your mind which is stopping you? 7,700, nothing else. The amount of 7,000. Okay, so I would like to say few things here. Obviously, DCN is, everybody is there. Because I have done many courses through you. गुरुजी ज्ञान से मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ, यंत्र एक्टिवेशन है और आपके और भी दो तीन चीजें हैं जो मैंने किया है आपके मैं साथ। आपको जी जी आप बोले पहले कंटिन्यूस क्या जो रुपया निकलता है और जब कुछ तो फिर क्या है कि आदमी को कई बार सोचना पड़ता है कि हर एक में आप रुपया दिए जा रहे हो और कंटिन्यूस इवनिंग में आप, और फिर और भी हमारे कई क्लासेस चल रहे हैं तो हम कितना रुपए कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। दिस आर नॉट एक्सपेंडिचर, बस थिंक दैट दीज आर इन्वेस्टमेंट। But sir, every month भी तो आप कर सकते हैं, like you know, it's not the amount which you have to pay once. Like... So, Ujala ji, I will answer this question. Okay. Right. Ashok ji, you are right. One, this is an investment, I understand. At the same time, this is expense also when, unless it is recovered. So, I am in line with you because same things applies to me also when I was learning those days, because I also did a lot of subjects at the same time, a lot of expense, and उस time के expense ज़्यादा होते थे क्योंकि अभी ऑनलाइन का जमाना है, थोड़ा एक्सपेंस कम हो गए। पहले फिजिकल क्लासेज होती थी, ऑफलाइन क्लास के एक्सपेंस ज्यादा होते थे, किसी होटल में शानदार से रख लिया बट एक्सपेंस तो होता ही था। एनीवे, सो द पॉइंट कम्स टू दिस एक्टिविटी वंस अगेन, वन थिंग इज फॉर श्योर, फैमिली कॉन्स्टेलेशन इज वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन द हीलिंग मोडालिटीज। वन सेकेंड, फैमिली कॉन्स्टेलेशन टू डू टीचिंग इज नॉट दैट ईजी एंड frequent or the availability is very weak. I mean, I as I said it in the beginning, जो लोग कर रहे हैं वो बड़ी fancy fee structures पे करते हैं काम। हमारा प्रयास रहता है कि हम affordability पे लिखे इसको। Third thing is that quality of family constellation. अगर कोई व्यक्ति कर भी जाए तो quality कहाँ से है? For example, उजाला जी से पिछले batch में किसी ने पढ़ा और उससे उठा के start किया और लोगों को पता नहीं चलता कि कब कहाँ से किसने किया। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली कॉन्स्टेलेशन डजंट वर्क विदाउट प्रैक्टिस हैंड होल्डिंग। एंड आई एम टेलिंग, एक वन ऑफ द रीजन वी ऑलवेज इंक्रीज फ्री क्लास, रिपीट फ्री, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे बिना फैमिली कॉन्स्टेलेशन हैंड्स ऑन पे नहीं आता। इट कुड लुक लाइक ए 7,000 रुपीज, इज लुक लाइक ए फीस, बट इट इज वर्थ इट, बिलीव मी, क्योंकि फैमिली कॉन्स्टेलेशन मिलता ही नहीं है, होता ही नहीं है, और जिनको कोशिश करते हैं वो नहीं कर पाते हैं, मतलब क्वालिटी डिलीवरी नहीं हो पाती है। मतलब मैंने देखा है, मैंने कई लोगों को करते हुए देखा भी है, तो उजाला जी का भी देखा, क्योंकि उजाला जी के कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने किया, ट्राई किया, और मास्टर मास्टर होता है, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, एज इट सिंपल एज दैट। इट इज वर्थ इट 7,000 रुपीज, यस यू कैन से दैट, बट वी ऑल्सो डोंट वॉन्ट अ पीपल हु आर नॉट सीरियस टू ज्वाइन इन द थिंग। रीजन इज दैट हम इसका फैमिली कॉन्स्टेलेशन को ऐसे मार्केट जैसे आलू प्याज की तरह भी नहीं करना चाहते। इट्स एज लाइक अदर सब्जेक्ट्स आर हैपनिंग इन द मार्केट लाइक 99 रुपीज, राइट, यू अंडरस्टैंड दैट,
नहीं वो 49 99 रुपीज तो ऐसा नाराजगी जी की आई डोंट डू ऑल दिस 99, और उसके बाद मैं उनको कह रहा हूं, मिले मैं तो चार्जेस बताए एंड देन दे से कि भाई हाँ इसमें अब आप अपने यू हैव टू पे 10,000 रुपीज। तो हम वो भी दैट नहीं इज चाहते। एक्चुअली आई नो बिकॉज आई टेल यू आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, नाउ आई एम अ प्रोफेशनल। और हमारे यहाँ मैं आई एम राजस्थानी बाय द वे, आई जस्ट टेल यू, हमारा एक कहावत है कि कई बार क्या होता है राजीव जी कि 125 रुपए का जो हाथी होता है ना बड़ा महंगा होता है, 125 रुपए का हाथी बड़ा महंगा होता है और 125,000 का हाथी बड़ा सस्ता होता है। ये बहुत लोग नहीं जानते, वो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि जब आदमी के पॉकेट में पैसा नहीं होता ना तो 125 रुपया निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है, अंडरस्टूड और जब रुपए अंडरस्टूड होते हैं ना होते तो हो, सवा सवा लाख लाख रुपए भी, निकालने में कोई कि दिक्कत नहीं होती। हाँ कहता है इस, ओके आई अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर सेइंग, आई रियली नहीं, लेट मी डू एबल टू। समथिंग हियर सर। जी आप राजस्थान में कहाँ से हैं? मैं चूरू से हूँ, अच्छा, आई बट एम बॉर्न फ्रॉम एंड ब्रॉट अप जयपुर, इन, मैं आई एम व्हाट फ्रॉम जयपुर बट बॉर्न एंड सांगानेर। ओके बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता एक्चुअली। तो अच्छा राजस्थान में चूरू में हमारी हवेली वगैरह है, हाँ, अच्छा लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप कोलकाता होने वाला। आज के दिन मैं 32 साल से बैंगलोर के अंदर हूँ। अच्छा सर, सो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी आपको ये मोडालिटी के बारे में। एक तो ये बहुत महंगी मोडालिटी है, जो आप अगर वैसे करने चाहें तो इट इज लाइक 4 डेज कोर्स इज ऑलमोस्ट लाइक, कोई भी इसको 35,000 से कम में नहीं देता। एक तो ये है, दूसरा ये मोडालिटी आप जिस दिन सीख लेते हैं ना, आपको लगता है कि नाउ आई एम रेडी टू डू कॉन्स्टलेशन। ये इतना पैसा जो आप अभी कंसीडर कर रहे हैं, आप 2 सेशन के अंदर मांग सकते हैं। आई चार्ज 6,000 रुपीज फ्रॉम माई ऑल फॉरिनर क्लाइंट्स जो अब्रॉड से आते हैं। तो नहीं उजाला जी, so, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बेसिक सीख के तो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा ना उसको नहीं नहीं तो। सर, ये यहाँ पे ये गड़बड़ है। ये जो बेसिक लेवल है, जनरली जो बेसिक लेवल दूसरे कोर्सेज का होता है ना, दैट इज एक्चुअली बेसिक लेवल, बट ये बेसिक लेवल नहीं है। दिस इज दी लेवल व्हिच मेक्स यू फैमिली कॉन्स्टेलेशन प्रैक्टिशनर, फैसिलिटेटर। प्रैक्टिशनर या जो दूसरे फैसिलिटेटर, कोर्स करेक्ट। आप करेंगे वो एक स्पेशलाइज से, आप डॉक्टर तो बन ही गए, अब आपको सर्जन या आपको कौन सा क्या स्पेशलाइजेशन करा वो आप कर सकते हैं, लेकिन यू आर नाउ रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ कॉन्स्टलेशन। दिस इज द मेन लेवल, दूसरे लेवलों का मतलब ही नहीं है जब तक कि आप ये ना कर लें। वो सिर्फ आपके एक वो होता है ना, जैसे मुझे शौक लेवल है, अप करने का तरीका है वो, हाँ, सो अपलिफ्ट करते रहिए वो तो जब भी आपको करें, लेकिन ये दैट्स लाइक लेवल कंटिन्यूअस बिना जर्नी। कुछ नहीं होगा। सो दिस इज द मेन लेवल, दिस इज नॉट जस्ट बेसिक, इट इज मेन। मतलब कहने को लेवल 1 कह रहे हैं हम, क्योंकि स्टार्टिंग है तो लेवल 1 बोल दिया हमने, बट इट्स नॉट एक्चुअली अ लेवल 1, इट्स अ प्रैक्टिशनर कोर्स वेयर यू यस, कैन यू स्टार्ट कैन योर टेक क्लाइंट प्रैक्टिस। इवन फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ऐसा है राजीव जी कि मैं जब कोई सेशन पे मतलब उनका इंट्रोडक्टरी जब लेक्चर जब सुनता हूँ, सो विद इन 10 मिनट्स आई कम टू नो वेदर दिस इज फॉर मी और नॉट। तो 50% में के पहले ही तो मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ, मैं आई जस्ट लीव दी सेशन। ग्रेट, इट्स नो यूज ऑफ अननेसेसरी वेस्टिंग माई टाइम वेरी ऑनेस्टली। तो अभी मैं क्या अंडर है कि उजाला जी के क्लास में मतलब जब से शुरू हुआ है मैं तब से मतलब मैं सिर्फ 10 मिनट आई वॉज लेट एंड स्टिल आई एम हियर, इसका मतलब कुछ तो इंटरेस्ट आया है। वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग, इट्स नथिंग कि मैं आपके साथ कोई बार्गेनिंग कर रहा हूँ या कुछ नहीं कर रहा अच्छा है, हूँ, बोल रहा अच्छा हूँ आई कि लाइक इट, बहुत क्लियर कट कि आई भाई लाइक मेरे इट। को पसंद आया। तो मैंने देखा कि ठीक है चलो ये हम क्या है कि मतलब करेंगे भी और लोगों को कुछ फायदा भी करवा सकते हैं। अब जैसे उजाला जी बोलते Am I audible to you all? उजाला नो 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 सर जी, की वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। सर वी आर आई नॉट थिंक एबल इट्स टू माय हियर यू इंटरनेट, प्रॉपरली, योर वॉइस इज इंटरनेट ब्रेकिंग अ लॉट। मेरा इंटरनेट अभी ठीक आ है रही है, इनका। जी अभी आ रही है, हाँ जी, जी आ आ रही रही, आ है। रही है। हाँ तो अब ये नहीं है कि मतलब ठीक है मेरा एक है मन कि भाई मैं इतनी देर बैठा हूँ, बैठने के लिए नहीं बैठा हूँ कि भाई थोड़ा सोच के बैठा हूँ कि भाई हाँ ये कुछ फ्यूचर में हमारे को और किसी और को फायदा करवा सकता है। तो अशोक जी फिर मेरा एक एडवाइस तो यही है, आप आ जाइएगा, यू विल
गेन इट, आई कैन ओनली से दिस। नहीं खैर गेन करूंगा, बस वही है कि वो थोड़ा सा वो चीज ही मेरे को थोड़ा समझना है, ये समझना है कि मैं हाउ आई एम गोइंग टू मेक द पेमेंट, तो सर बहुत मैं सिंपल कुछ सा पूछूं गेन से बात आपको, कर लेना आप। सर मैं एक चीज बोलना हाँ चाहती थी बोलिए आपसे, बोलिए अपना बोलिए एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ? हाँ जी अनामिका जी जी, आपका बोलिए, एक्सपीरियंस शेयर इसी करिए सेशन के लिए। आई जी। टोल्ड यू बिफोर कि कैसे मेरे को इंट्यूशन आया, एंड बिलीव मी आप टेक्सटाइल डिजाइनर थे, मैम मैं फैशन डिजाइनर थी, और आई वॉज वर्किंग इन एक्सपोर्ट हाउस, बट लास्ट 3-4 ईयर्स से मैंने छोड़ा था बिकॉज मेरे बेटे को मुझे देखना था। सो अभी माई हस्बैंड इज द ओनली अर्निंग पर्सन, और जब फैमिली में एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है और बाकी नहीं होते हैं, तो ये सब कोर्सेज में देना इज नॉट इजी, क्योंकि आपके वी कैन डू एक्सपेंसेस इट, बहुत होते हैं आजकल, और जो हमारे टाइम में लग्जरी थी वो आज नेसेसिटी है। या सो बिलीव मी मैम, इस कोर्स के लिए जिस दिन फर्स्ट डे मुझे पता लगा और मुझे इंट्यूशन आया, मतलब मैंने पूरे दिल से बोला, मैंने कहा यूनिवर्स मुझे नहीं पता कि ये मेरे लिए राइट है या नहीं है, मुझे इंट्यूशन आया है, नाउ यू आर गोइंग टू सी हाउ माई ऑल थिंग्स आर गोइंग टू मैनेज। और मैंने ये लेने से पहले आपको बताया कि मैंने फी सबमिट कर चुकी है। या एक्चुअली सर मैं यहाँ पे एक ही चीज बोलना चाहूंगी, व्हाट यू लर्न एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट, इट इज ऑलवेज इन योर हैंड। लाइक आई हैव बीन टू मेनी क्लासेस एंड आई पेड द फुल फी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सर दैट ही इज रनिंग दिस प्लेटफॉर्म वेयर एवरीबडी कैन कम एंड एनी बडी कैन कम। ओके, द फीस इज दैट लो, बट आई हैव पेड द फुल फीस एंड आई ऑलवेज थॉट वन थिंग, आई एम गोइंग टू लर्न इट एंड आई एम गोइंग टू यूज इट एंड आई मेक मोर देन दिस मनी। सो द थिंग इज दैट सर, ये आपके हाथ में है। आप जिस दिन आपको लगेगा कि नाउ आई कैन अर्न इट, यू विल अर्न लाइक एनीथिंग, एंड उसका कोई लिमिट नहीं होगा। सो जस्ट फॉर टुडे फॉरगेट अबाउट दिस 7,000। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज जिसकी कोई यू नो लिमिट नहीं होती, आई ऑलवेज पे फॉर दैट नॉलेज, यू नो दिस इज हाउ आई थिंक, एंड आई थिंक इट्स पेड मी अ लॉट दैट टुडे इफ आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम टॉकिंग टू यू जस्ट बिकॉज आई थिंक दैट आई एम कैपेबल। सो आई बिलीव इन माई सेल्फ कि ये चीज मुझे बेनिफिट देगी ही, और नहीं भी देगी तो इट द नॉलेज के लिए आई विल पे दिस। आई एग्री या उजाला जी कि फॉरगेट अबाउट द मनी एंड थिंक अबाउट द पार्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि हम मारवाड़ी क्या है, हम मारवाड़ी सबसे पहले तो वो फर्स्ट पार्ट ज्यादा सोचते हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट सोचते हैं कि भाई सामने वाले का यदि अमाउंट हमारे पास बाकी है सर पे भार नहीं होना चाहिए। उस सीखेंगे तो अमाउंट पे करके सीखेंगे तो क्या है कि सिखा जाएगा, नहीं तो क्या पेमेंट क्या है हम आधा देंगे, फिर यदि हम बोलेंगे क्या ठीक है हम आधा 1 महीना बाद देंगे तो वो सीखना नहीं होता। वो क्या कि दिमाग में रहेगा क्या ये पेमेंट तो देना है इनको। वी सर कैन ये अंडरस्टैंड अशोक जी, वी कैन अंडरस्टैंड अशोक जी, एंड यू आर मेच्योर्ड एनफ टू टेक योर कॉल, बट वी कैन ओनली से हियर इज दैट यू विल फाइंड इंटरेस्टिंग एंड यू विल नॉट फाइंड, आई यू विल डेफिनेटली फाइंड अ टेक अ गेनर, कॉल, यू विल फाइंड अ गेनर। आई डेफिनेटली टेक अ कॉल राजीव जी, बिकॉज यू स्टिल हैव 2nd of July, सो द 2nd of July वी यू आर गोइंग टू स्टार्ट, बिफोर दैट आप डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कॉल, आई यस टेक अ एक कॉल। हफ्ता है आपके सर पास और आप आप ना एकेडमी छोड़ में। दीजिए यूनिवर्स में, इफ योर वाइब्रेशन आर मैचिंग टू द सब्जेक्ट, बिकॉज वी डोंट चूज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज यस चूजिंग अस, करेक्ट तो इफ इट इज चूजिंग यू, यू आर गोइंग टू बी देयर इन द क्लास। सो एब्सोल्युटली मनी इज नथिंग। सी अगर आप अबेंडेंस का क्लास अगर करें तो यू विल अंडरस्टैंड, मनी इज नथिंग, इट्स यू नो, करेक्ट इट्स जस्ट यू। मनी इज जस्ट अ काइंड ऑफ एनर्जी विच यू यूज टू क्रिएट समथिंग इन योर लाइफ, बट एब्सोल्युटली यू आर द वन हु इज क्रिएटिंग इट, नॉट द मनी। एब्सोल्युटली डू एग्री। या सो डेफिनेटली आई टेक अ कॉल उजाला जी, इट्स नॉट दैट आई एम नॉट गोइंग टू, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी स्टक इन माय माइंड आफ्टर लिसनिंग टू यू एंड सिटिंग कंटिन्यूअसली। अशोक वॉइस इज ब्रेकिंग अ लॉट। जी आपका इंटरनेट एक बार चेक करिएगा प्लीज, आई थिंक। हाँ निर्मल जी का एक बार हैंड हाँ रेज जी है, हाँ एक बार जी उनसे एक बार पूछ लीजिएगा। सर, आई वांटेड टू आस्क, 9 o'clock इज गिवन द टाइमिंग, नो 9 PM, हाँ सो द जी स्ट्रीमिंग रहेगी ना? 9 o'clock नहीं, क्या उजाला जी, आपका 7:30 है, 7:30 है। आई थिंक 7:30 टाइमिंग है इनका, अच्छा, नाइन ओ नाइन क्लॉक क्या 7:30 to 9 होगा।
लेट मी चेक दी, लेट मी चेक दी पीपीटी अगेन. उसमें लिखा था क्या डायनेमिक्स? जनरली सुजाला जी की क्लासेस का टाइम 7:30 होता है. आई एम नॉट हाँ, वेरी 7:30 श्योर. ही होता है सर, या 5:30, 7:30 ऐसे ही होता है. सो इट्स तो ओके, मैडम दिस एक्चुअली वी इज कैन दिस शेड्यूल विल डिस्कस. बी शेयर टू यू वंस अगेन. आई मीन आई डोंट हैव द शेड्यूल, द टीम इज हैविंग शेड्यूल. आई विल आस्क टीम टू चेक इट अगेन टुमारो मॉर्निंग एंड देन दे विल शेयर द शेड्यूल टाइमिंग, क्योंकि वो शेड्यूल चेक करना पड़ता है. मैं आपको कमिट कर दूं 9 बजे या 7:30 बजे, और शेड्यूल में स्लॉट है नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा. ओके सो सर, और दैट देखो इफ इट इज एट 7:30 आई वोंट बी एबल टू अटेंड लाइव मोस्ट ऑफ द डे, सो विल इट बी ओके इफ आई सी द रिकॉर्डिंग एंड देन आस्क यू द डाउट्स इन द नेक्स्ट या सेशन. मैडम कभी तो छुट्टी मिलेगा आपको लाइव करने का, कभी तो दिन मिलेगा लाइव करने का, या एक भी दिन नहीं मिलेगा लाइव करने का? समटाइम्स आई माइट गेट, एक्चुअली आई एम डूइंग वन ट्रेडिंग कोर्स सर, सो दैट विल बी फ्रॉम 8 to 9:30, सो डेली इट्स होता है ऑल. क्या वो आपका? हाँ, सैटरडे संडे नहीं होता. अच्छा, मतलब 5 डे वीक ऐसा है. हाँ, ओके, और कब तक है वो आपका कोर्स? 1 year तक सर. ओहो, लॉन्ग है. ओह, इट्स टू लॉन्ग, इट्स टू लॉन्ग. ठीक है मैडम, वी विल ट्राई टू फिक्स एट 9. अगर हो पाएगा तो शेड्यूल देखना पड़ेगा, मैं कमिट नहीं कर सकता. ओके सर, इफ इट्स पॉसिबल इट विल बी वेरी यस, नाइस. आई विल सी. हाँ, देन एंड वन मोर देखिए, यू मैसेज टू यूनिवर्स दैट आई नो दैट आई एम गोइंग टू डू दिस कोर्स. कई बार क्या होता है, यू कैन नॉट डिसाइड, लेट द हाँ यूनिवर्स डिसाइड फॉर यू, सो लीव एवरीथिंग. एंड एनी वे, अगर आप ये वीडियोज भी देखेंगे ना, तो यू कैन मेक योर नोट्स, यू कैन कॉल मी एंड यू कैन आस्क मी इफ समथिंग इज नॉट. और कई बार ऐसा होता बीच है कि आई एम नॉट एबल टू पिक द कॉल बिकॉज आई एम इन अ सेशन और इफ आई एम डूइंग सम वर्क, तो मैं आपको बाद में कॉल कर लूंगी. बीच में जो लाइव करते रहने से कनेक्टिविटी रहती है, और कोई यस, क्वेश्चंस डाउट्स होते हैं तो वो क्लियर होते जाते हैं. बीच बीच लाइव कर लेना एक्चुअली चाहिए, बीच बीच में. उनका बहुत रिकॉर्डिंग नहीं मिलता क्या आपको, ट्रेडिंग वालों का? हाँ, अगर वो कभी, भी हाँ तो कभी कभी उनका रिकॉर्डिंग देख लो, कभी कभी यहाँ लाइव आओ बीच में, हाँ, डाउट्स पूछ सकती हूँ, है ना? है दैट ना. वे हाँ, राइट. एंड वन मोर थिंग सर, आई वांटेड टू आस्क, जी दिस कोर्सेस विल आई गेट टू सी इन द लैपटॉप आल्सो? हाँ मैडम, लैपटॉप डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे, कहीं पे भी चला लो आप. होता है ना. तब आप ओके, प्रैक्टिस करेंगी ना, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनी टाइम यू कैन ज्वाइन विद योर फोन और वट एवर, बट जिस दिन जैसे आप रेडी हो जाते हैं ना कि आपको सेशन करना है, उस दिन कर तो आप इससे भी लेंगे, फोन से भी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट लैपटॉप इज मच मोर इजियर फॉर यू. ओके, बट हाँ नॉट नाउ, जब जी, तक थ्योरी चल रही है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब प्रैक्टिस करना हो तब बेटर है कि आप लैपटॉप से करें. योर क्लास इज ओनली वीकली ट्वाइस ना? यस 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 ओके, सो आई विल ट्राई दैट्स टू द जॉइन. थिंग, वी कीप इट इजी. हफ्ते में 2 दिन निकाल पाना, करना आसान हो जाता है. सो वी ट्राई टू कीप 2 डेज, क्योंकि उससे बाकी का हम सफर नहीं करते एक्चुअली. अच्छा, ओके ठीक है, एनी ओके अदर क्वेश्चन दैट एनी वन हैव, एनी वन लाइक टू हैव एनी क्लैरिटी, एनी क्लैरिटी ऑन अकेडमी कोर्स, सब्जेक्ट, फीस, एनीथिंग? अगर कुछ और कुछ क्लैरिटी नहीं है या और कुछ पॉइंट्स नहीं है, सो आप सबने इतना अपना कीमती समय दिया, आपने करीब 2-2.5 घंटे अपने समय दिया, इन सो वैल्यूबल टाइम ऑफ एवरी वन ऑफ यू. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑन द बिहाफ ऑफ अकेडमी एंड उजाला जी बोथ, डेट कि आपने इतना कीमती समय दिया. और आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू सी इन टू द कोर्स ऑल्सो, इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल. आप ज्वाइन जरूर करें, आपको मजा आएगा. मिसिंग अ कोर्स इज ए रिग्रेटिंग अ कोर्स, राइट? सो दिस इज वॉट आई कैन से. एंड सी यू देयर, सी यू इन द क्लास, नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सो मच नमस्कार, थैंक एवरीबॉडी. थैंक यू, यू, थैंक यू, यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू. यू, थैंक यू.